श्रोताओं नमस्कार, आज है कलयुग विक्रम संवत 2076 शक संवत 1941, जी हाँ, और पौष महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि तृतीया, और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से दिनांक तिथि डेट बनती है जी। आज है 29 दिसंबर 2019, इसी को अगर हिंदी में बोलें तो 29 दिसंबर 2019। और आप सुन रहे हैं आपका अपना मनचाहा और पसंदीदा प्रोग्राम यानी रेडियो मनपसंद ऑन FM 91.1 पर। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के आपके साथ मैं हूँ मनीष, और आप सभी को कहता हूँ सप्रेम नमस्कार और सलाम नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। और अगर आप 24 घंटे सातों दिन हमारे रेडियो ऐप के द्वारा सुन रहे हैं तो आपको जहाँ भी सुन रहे हैं दुनिया में, तो आपको गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, या अगर आप बिस्तर में लेटे हुए सोने की तैयारी कर रहे हैं तो गुड नाइट। जी हाँ, खाली आजकल हमारे श्रोता कैनबरा के नहीं है, इंटरनेशनल श्रोता भी हमें ज्वाइन करते हैं जी हाँ, 24 घंटे सातों दिन, चाहे वो भारत हो, चाहे US हो, मॉरिशस हो, फिजी हो, कोरिया हो, जापान हो, और फिर आखिर ऑस्ट्रेलिया तो है ही। और अच्छा लगता है कि अब रेडियो मनपसंद ग्लोबल हो गया, इंटरनेशनल हो गया। चलिए, आज क्या बातें होंगी, आज आप सब लोग, मैं यही आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे जी हाँ, क्रिसमस की छुट्टियों में, हैप्पी हॉलीडेज़ कहता हूँ जी, और हैप्पी हॉलीडेज़ मना रहे होंगे या नहीं मना रहे होंगे, घर में बैठे होंगे, गर्मी का आनंद ले रहे होंगे, गर्मी का आनंद भी लिया जाता है ये तो मुझे पता नहीं, और क्या कर रहे होंगे जी, और क्या करो, कुछ बस यही कहूँगा कि इस बार बस। चलिए, आप सभी को क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई जी हाँ, देर से ही सही, लेकिन हाँ पिछले कई प्रोग्राम में मैं देता आ रहा हूँ, तो अब और आप लोग तैयारी में लगे होंगे द न्यू ईयर जी हाँ, नव वर्ष आने वाला है, नव वर्ष 2020 कहने में मज़ा नहीं आता, 2020 कहने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो 2020 आपके दस्तक दे रहा है जी हाँ, नॉक नॉक कर रहा है, आ गया, बस नियरली देर 3 दिन बचे हैं, और उसकी भी आप तैयारी करने पर लगे होंगे, पार्टी शार्टी की तैयारी हो रही होंगी, या नहीं तो आप बोले होंगे इस बार क्रिसमस नहीं मनाया जाए, या क्रिसमस न्यू ईयर भी नहीं मनाया जाए। चलिए, आप लोग जो भी कर रहे हैं बस यही कहूँगा कि मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस बार का क्रिसमस कुछ अच्छा नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो क्रिसमस ये कहिए कि क्योंकि बुश फायर जो लगी हुई थी जी हाँ, बुश फायर अभी भी चल रही है न्यू साउथ वेल्स में, पहले क्वींसलैंड में शुरू हुई, फिर उसके बाद न्यू साउथ वेल्स में और साउथ ऑस्ट्रेलिया में फैल गई, और अब कल की खबर देखें तो विक्टोरिया में भी बुश फायर का प्रकोप शुरू हो गया है जी हाँ, वहाँ पर भी आग लग चुकी है। और बस यही कहूँगा कि अगर आप हॉलीडेज़ पे कहीं बीच या उधर कहीं इंटरस्टेट जाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए, ड्राइव सेफली, और बेस्ट है कि अपना livetraffic.com पे जाके
आप चेक कर लीजिए जी कि कौन सी रोड्स ब्लॉक्ड हैं, कौन सी रोड्स बंद हैं, कौन सी रोड्स पे, और उस पे आपको ये भी पता रहेगा कि बुशफायर कहाँ कहाँ लगी हुई है। अगर आपने RFS का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, RFS यानी रूरल फायर सर्विस न्यू साउथ वेल्स का, वो भी डाउनलोड कर लीजिए, उससे भी आपको खबर रहेगी कि बुशफायर कहाँ लगी हुई है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप घर में ही बैठ के इंजॉय करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि खतरा अभी भी बना हुआ है। जी हाँ, इट इज़ अ कैटेस्ट्रोफिक फायर, बुश फायर इस बार लगी है, और इसकी वजह से, और काफ़ी देखिए 15 दिन से लगी हुई है इसका, और 15 दिन से भी ऊपर हो गया, मेरे ख्याल से काफ़ी समय हो गया, और उसकी वजह से जो जिनका घर जले या जिनके बेघर हो गए और जो लोग इससे प्रभावित हैं उनके, तो उन वो तो दुखी हैं ही, जो लेकिन जो नहीं भी जो बुश फायर के आसपास नहीं रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दुखी इसलिए हैं क्योंकि धुआं भरा हुआ है जी न्यू साउथ वेल्स के टाउन्स में, सिडनी में, और यहाँ अगर कैनबरा की मैं बात करूँ तो कैनबरा में भी कई दिनों से, ये भी 15 दिन से ऊपर हो गया है बुशफायर की वजह से, जो धुआं भरा हुआ है ये भी देख के लोग परेशान हैं, हताश हैं जी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, हम हमेशा यही कहते आ रहे थे कि कैनबरा की जो हावो हवा है कितनी क्लीन है, कितनी अच्छी है, और शायद किसी की नज़र लग गई, इसीलिए देखिए अब ये हवा भी कुछ धुएं में बदल चुकी है और लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं और बड़ी परेशानी हो रही है। उधर खाली बुशफायर ही नहीं लगी है जी हाँ, बुशफायर की वजह से लोग हताश ही नहीं, कई घर भी जले हैं जी हाँ, करीब 1000 से ऊपर घर जल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में ही। और बुशफायर के साथ साथ जो और एक और जो नेचुरल कैलमिटी चल रही है वो है ड्रॉट, यानी सूखा पड़ा हुआ है, और सूखा भी ज़बरदस्त पड़ा है, और इसकी वजह से किसान भी परेशान हैं, और किसानों की वजह से हमको भी परेशानी होगी, क्योंकि आपके जो खाना जो आप जी हाँ आप अपने डिनर लंच ब्रेकफास्ट जो करते हैं, खाना आपका महंगा भी हो जाएगा इस सूखे की वजह से, क्योंकि इम्पोर्ट होगा। और ये मैं ये तो यही कहूँगा कि आप किसानों को भी सपोर्ट कीजिए, जाइए बाई ए बेल कीजिए, और किसानों की भी डोनेशन वेबसाइट है, वहाँ जाके भी डोनेशन कीजिए। अगर आप फायर फाइटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो किसानों को भी आप सपोर्ट कीजिए। चलिए और बातें, आज कुछ गाने मैं लेकर आया हूँ सलमान खान के बर्थडे के। जी हाँ, सलमान खान का बर्थडे 27 दिसंबर को हर साल होता है, और इस बार वो 54 साल के हो गए, यानी 54 ईयर्स के हो गए हैं, और उन्होंने अपनी बर्थडे दबंग 3 जो मूवी रिलीज़ हुई है उससे उन्होंने इस बर्थडे का आगाज़ किया, मज़ा आया। और बर्थडे मनाने के लिए मेरे साथ एक विशेष मेहमान आज जुड़ने वाली थी, कहाँ हैं जी हाँ रेशमा जी, आप कहाँ हैं? लगता है रेशमा जी अभी छुट्टियां मना रही हैं, क्रिसमस हॉलीडेज़ की मूड में हैं, आराम से थोड़ी सी लेज़ी होंगी, रास्ते में होंगी। रेशमा जी आप अगर ऑन द वे हैं तो आ जाइए जी हाँ, आपका इंतज़ार है। सलमान खान का बर्थडे आ गया, और सलमान खान का बर्थडे मनाने वो हर साल आती हैं जी, हर साल आती हैं, ये यही संडे जो भी क्लोज पड़ता है जी हाँ सलमान खान का बर्थडे, वो तो उनसे मैं पूछूंगा कि सलमान की वो इतनी जबरा फैन क्यों है, हर साल इसी साल आती हैं, इसी मतलब हर दिसंबर में ही नज़र आती हैं रेडियो मनपसंद पे। चलिए और भी बातें होंगी, इस बारे में बात करूँगा, साथ में गाने हैं सलमान खान के, और सलमान खान के गाने के साथ साथ आज बात करेंगे फारूक शेख की भी। जी हाँ, फारूक शेख भी एक एक्टर थिएटर आर्टिस्ट थे बॉलीवुड के, और इंडियन हिस्ट्री के साथ में वो हमारे बीच नहीं है जी हाँ, 2013 में उनकी निधन हो गया था और आज हमारे साथ नहीं है, तो उनकी भी बातें होंगी, उनके भी मनपसंद फिल्मों के मैं गाने लेकर आया हूँ और कुछ बातें होंगी। तो आप भी अगर जुड़ना चाहें, इस बारे में बात करना चाहें किसी भी टॉपिक पे जी हाँ, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, या फारूक शेख हो, सलमान खान हो, या जनरली ऐसे ही आपके दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं तो वो आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए, दिल से निकाल लीजिए, थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा। काफ़ी लोग हमें फ़ोन करते हैं खाली ऑन ईयर बात करने के लिए, नहीं ऑफ ईयर बातें भी बहुत सारी होती हैं, तो उस बारे में भी जी हाँ आप भी कभी भी लगे रहिए, सुनते रहिए और फ़ोन करते रहिए। फ़ोन नंबर स्टूडियो का है 6287-4348, जी हाँ 6287-4348। अगर आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है 04218980 उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और नहीं तो आई मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल करना चाहें
तो तड़का @radiomanpasand.com। जी हाँ, आप सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, 2400 घंटे सातों दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में। और बात हो रही है फारूक शेख की, तो एक गाना मुझे बहुत ही याद आता है और ये गाना पसंद भी है। जी हाँ, जैसे आपसे हालात हैं कैनबरा के और आसपास के शहरों के, कि हर जगह धुआं ही धुआं है, तो उससे बस यही गीत याद आता है, सीने में जलन। जी हाँ, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। आप लोग लग रही है, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, याद कर रहे हैं फारूक शेख जी को। जी हाँ, जिनके भी सीने में जलन क्या सीने में दर्द हुआ था, इसलिए उनकी डेथ हो गई थी। जी हाँ, उनको हार्ट अटैक हुआ था 28 दिसंबर 2013 को, दुबई में थे, फैमिली हॉलीडे पे गए हुए थे और वहाँ पे उनका निधन हो गया। और फारूक शेख की बात करें तो अगर आप
1970s और 80s के, जी हाँ, पले बड़े हैं हमारी तरह, तो आप इनको, फारूक शेख को बहुत फॉलो करते होंगे, इनकी पिक्चर बहुत लाइक करते होंगे। मैं तो फारूक शेख का भी फ़ैन हुआ करता था। फारूक शेख है क्या, साथ साथ शबाना आज़मी थी, दीप्ति नवल थी, स्मिता पाडल थी और नसरुद्दीन शाह थे, ओम पुरी थे। उस ज़माने का जो पैरल सिनेमा की जो मूवीज़ हुआ करती थी, आजकल पैरल सिनेमा की मूवीज़ आ रही हैं जिसमें आयुष्मान खुराना है, कार्तिक आर्यन है, राजकुमार राव है, लेकिन वो दम नहीं था। जिस और दम इसलिए नहीं है क्योंकि हमें उस समय 70s 80s में मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट यही हुआ करता था, हम पिक्चरें देखा करते, मीनिंगफुल पिक्चरें हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी लगती थी। आज भी स्टोरीज लिखी जाती है, आज के हालात के हिसाब से आजकल की स्टोरीज़ भी चेंज हो गई हैं, बहुत कुछ चेंज हो गई है। जैसे नई मूवीज़ आ रही है गुड न्यूज़, जिसमें IVF ट्रीटमेंट के बारे में बात किया है, बच्चे नहीं बदलते जबकि आपका स्पर्म बदल जाते हैं, तो आजकल की थीम चेंज हो गई है। और एक मूवी आई थी जो पिछले दिनों में बात कर रहा था, लुका छुपी, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप की बात हो रही, तो आजकल की थीम चेंज हो गई है, जो उस ज़माने की थीम हुआ करती वो नहीं। तो फारूक शेख की बात करें तो इन्होंने 73 से 93 बहुत काम किया और कई मूवीज़ में थे। और पैरेलल सिनेमा की मैं बात करूँ तो सत्यजीत रे, सई परांज पे, मुजफ्फर अली, ऋषिकेश मुखर्जी और केतन मेहता के साथ बहुत सारा काम किया। और साथ में मूवीज़ में नहीं, उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में भी कदम रखा और जीना इसी का नाम है बहुत बढ़िया चला था। इट वाज वन ऑफ आवर फेवरेट सीरियल हुआ का, सीरियल क्या, एक जो क्या कहते हैं कि एक थीम, नए थीम लेकर आए थे, जिसमें किसी भी स्टार को बुलाते थे, उनकी जीवन के बारे में पूरी कहानी सुनते थे और बताते थे, और साथ में उनके जितने भी परिवारजन हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, वो उनसे सबसे मिलवाते थे। बहुत बढ़िया, एक अच्छा एक टॉपिक उन्होंने चुना था और बढ़िया। और ये आपने गाना सुना, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, ये मूवी थी गमन, जो कि आई थी 1978 में। उन्होंने शुरुआत की थी अपनी जीवन की गर्म हवा से 1973 में, और उसके बाद जो उन्होंने पिक्चरें दी 1970s में, वो तो एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट रही। साथ में थे, वो थे शतरंज के खिलाड़ी, गमन, नूरी, जी हाँ नूरी कैसे भूल सकते हैं, और उसमें प्यारी सी पूनम ढिल्लो ने भी अपना डेब्यू किया था। फिर आई 80s में उमराव जान में दिखे, चश्मे बद्दूर, साथ साथ और बाजार, जी हाँ बाजार में सुप्रिया पाठक, आ हाय हाय हाय, कहाँ कहाँ यादों में मैं खो गया। चलिए, फारूक शेख की और भी बातें होंगी, लेकिन अगर सीने में जलन है आंखों में तूफान सा क्यों है, जी हाँ आपके अगर सीने में जलन है आंखों में तूफान है जिस धुएं के वजह से जो कैनबरा में कई दिनों से छाया हुआ है, तो प्लीज़ डॉक्टरों के जाके दिखाएं, नहीं तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर्स आपके सारे जितने भी GPs हैं छुट्टी पे गए होंगे, वो भी क्रिसमस और न्यू ईयर मना रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर पे नहीं जा पा रहे हैं, या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है और हालात बड़े ख़राब हैं क्योंकि बहुत लंबी लाइन है। तो जितने भी ओनली इमरजेंसी, जी हाँ अगर वही होती है तभी वो देखते हैं, लेकिन ये आंखों में तूफान सा क्यों, सीने में जलन, गले में जलन, तो अगर सीने में जलन है तो शायद देख लेंगे आपको जल्दी, लेकिन अगर आपके आंखों में जलन है या गले में जलन है या सांस लेने में परेशानी हो, शायद वो आपको बिठा दे थोड़ी देर। तो आप ऐसा कर सकते हैं, वॉक इन क्लिनिक खुले हुए हैं, जी हाँ वॉक इन क्लिनिक आप जा सकते हैं, बेलकोनन में है, टगरनोंग में है और गंगालिन में भी है, और अभी नया एक खुला है, बस ये हमारे स्टूडियो के पास में ही है, वेस्टर्न में खुला है। तो वॉक इन क्लिनिक में वहाँ नर्सेज रहती हैं, सुबह आई थिंक 7 या 8 बजे खुल जाता है और रात के 10-11 बजे तक खुला रहता है। तो छोटे मोटी जितनी भी परेशानी है, आप जाके वॉक इन क्लिनिक में जाके अपने परेशानी को दूर कर सकते हैं। दवाई तो नहीं है, लेकिन हाँ बस सलाह यही दी जा रही है सबको कि घर में ही रहें, दरवाजे खिड़की बंद रखें, और आजकल तो लोग एयर प्योरीफायर का भी इंतज़ाम किया हुआ है, तो एयर प्योरीफायर भी अगर आपको लगे कि तो घर में ले आ सकते हैं। तो जी हाँ अपना ख्याल रखिए, अगर आप अस्थमा आपके है या आपका कोई भी लंग इन्फेक्शन है तो प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि घर के बाहर कहीं पे भी जाएंगे, इंटरस्टेट भी जाएंगे, तो वहाँ भी धुआं ही धुआं भरा हुआ है। और साथ में जैसे मैंने पहले बताया कि रोड क्लोज्ड हो सकती हैं, तो उसके लिए आप livetraffic.com पे जाके सारी जानकारी ले सकते हैं। साथ में पिछले कल ही मिकाल से रोड क्लोज का एक मैसेज आया, जी हाँ यास में, जी हाँ जो लोग यास की तरफ जा रहे थे, मेलबर्न की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पे भी रोड क्लोजर आ गया क्योंकि वहाँ पे भी छोटी मोटी बुश फायर लग गई थी। जी हाँ, और साथ में
आपको बता दें जहाँ हम लोग, जी हाँ, और हाँ जी, गर्मी की वजह से आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है क्योंकि 40 डिग्री टेम्परेचर जाने का उम्मीद है। जी हाँ, आप लोग ध्यान रखिए, वेदर इज़ गोइंग टू बी हॉट। वो कह रहे हैं कि एक्सट्रीम, स्ट्रॉन्ग से एक्सट्रीम कंडीशंस होने वाली है हाल ही में, नॉट ओनली इन कैनबरा, और ये पूरे साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया को जकड़ने वाली है। तो वेदर का ध्यान रखते हुए अपना ख्याल रखिए और बस पानी पीते रहिए, ठंडे ठंडे फ्रूट्स या नहीं ठंडी ठंडी अपने आप ठंडी चीज़ें खाते रहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने पेट्स का ध्यान रखिए, अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और पुलिस ने वार्निंग की है कि प्लीज़ बच्चों को गाड़ी में ना छोड़ें, जी हाँ, गाड़ी काफ़ी हॉट हो जाती है, अपने पेट्स को ना छोड़ें और क्योंकि फ़ाइन लग सकता है आपको। तो आप लोग क्या करते हैं जी हाँ इस गर्मी से बचने के लिए? और वेदर में देख रहा हूँ कि आज वेदर करीब 35 डिग्री जाएगा, कल मंडे को 39 डिग्री और 40 डिग्री जाने की आशंका है, ट्यूसडे को थोड़ी बहुत थंडरस्टॉर्म आने की आशंका है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा गिरेगा नहीं, ओनली 37 जी हाँ मैक्सिमम जाएगा। तो पूरे हफ्ते भर जी हाँ नेक्स्ट वीक नेक्स्ट सैटरडे तक देख रहा हूँ कि 40 डिग्री टेम्परेचर कैनबरा में बना रहेगा। सिडनी का भी वही हालत है, सिडनी में जिस दिन फायरवर्क से जी हाँ ट्यूसडे को 42 डिग्रीज टेम्परेचर होने वाला है। चलिए, आप लोग क्या करते हैं इस ठंडे मौसम में अपने आप को कूल रखने के लिए? चलिए, आपको मैं कूल इस ठंडे मौसम में मनपसंद आप रेडियो लगा सकते हैं जिसमें कूल गाने लगे होते हैं, आपके मनपसंद गीत लगे होते हैं। जी मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जहाँ बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो या आग लगी हो, अर्थक्वेक हो, हम लोग यहाँ आ जाते हैं मनपसंद रेडियो पे आपसे गपशप करने के लिए। और मनपसंद रेडियो आप लगा सकते हैं संडे की सुबह जैसे आप सुन रहे हैं 10 से 12 बजे, और साथ में आजकल मनपसंद मॉर्निंग भी आप सुन सकते हैं वीकडेज़ में, मंडे टू फ्राइडे 10 से 11 बजे। जी हाँ, मंडे टू फ्राइडे 10 से 11 बजे, साथ में ये रिपीट शो आप शाम के 4 से 5 बजे सुन सकते हैं, और मंगलवार की शाम 7 से 8 बजे भी। तो आपकी सेवा में हम हाजिर रहते हैं 8 घंटे के लिए, और ये टॉकबैक शो होता है, इसमें आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, कम्युनिटी अनाउंसमेंट्स दे सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप देते रहिए। चलिए, इंजॉय कीजिए। और आप जैसे मैंने कहा तो एक मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि हम आम खाते हैं। जी हाँ, मैं थैंक यू सो मच, आप आम खा के इस ठंडक लेकर आते हैं, वेरी गुड। और साथ में मैं तो ये कहूँगा कि जैसे कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही गर्मी हटाने के लिए कुछ गर्म चीज़ पी सकते हैं। मुझे चाय पता नहीं क्यों पसंद है, गर्मी में चाय 2-3 बार तो हो ही जाती है, और चाय ऐसी चीज़ है, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, कभी भी पियो, मज़ा आता है। और चाय से याद आया, जी हाँ, सलमान खान की बात करें, सलमान खान का जन्मदिन मना रहे हैं, तो चाय से याद आया कि एक गर्म चाय की प्याली हो और कोई उसको पिलाने वाली हो। आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए, जी हाँ, रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के आप, और ये तड़का लगता है जी हाँ 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में। और बात करते करते हमारे साथ ईरा जी आ गई। ईरा जी कह रही हैं कि हमारे मेरी तरफ से सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दे दो, क्रिसमस की शुभकामनाएं दे दो। तो चलिए ईरा जी, आपकी पसंद का जी हाँ आपने बोला और ये आप आ गई, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। हेलो लिसनर्स, मैं हूँ आरजे ईरा और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के हमारा रेडियो मनपसंद हो गया है 24/7 यानी कि 7 दिन और 2400 घंटे आपकी सेवा में हाजिर है। तो सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। और जैसे कि क्रिसमस का सीजन आ गया है और आप इस फेस्टिवल के एंजॉयमेंट में जुड़ गए हैं, तो एंजॉय कीजिए, लेकिन जी हाँ, स्टे सेफ, एंजॉय कीजिए, भरपूर मजे लीजिए, भरपूर आनंद लीजिए और हमारे गाने सुनते रहिए, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। Thank you.
एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, मिल जाए तो मिट जाए हर गम। जी हाँ, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। जी हाँ, सलमान खान का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही है। आप सलमान खान के फ़ैन हैं या नहीं हैं बताना चाहें तो फ़ोन कर सकते हैं 6287-4348, ईमेल से जुड़ सकते हैं tadka@radiomanpasand.com, और नहीं तो मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 04218980095। और जल्दी हमारे साथ एक विशेष मेहमान जी हाँ जुड़ेंगे, जो सलमान खान की जबरा फ़ैन हैं और वो सलमान खान के बारे में बताएंगी कि हाँ सलमान खान की मूवी आप लोगों ने देखी। जी हाँ, दबंग 3 रिलीज़ हुई है। एक दो रिव्यूज़ आए हैं मेरे को, लिसनर्स से कह रहे हैं कि प्लीज़ मत देखिएगा, इतनी बढ़िया मूवी नहीं है। जैसे दबंग 1 थी, दबंग 2 थी, वो बढ़िया मूवी थी, लेकिन दबंग 3 में वो दम नहीं है, दबंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए दबंग की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जी हाँ, जहाँ उनको विलेन के रूप में दिखाया गया, जी हाँ, क्योंकि वो छुट्टी लेकर चले गए थे अपनी फैमिली हॉलीडेज़ की, जबकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया की जो बुश फायर्स लगी हुई थी, या कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जल रहा है, आपका अपना ऑस्ट्रेलिया या अपने आप का घर जल रहा है, आपके परिवारजन परेशान हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, उनके घर जल रहे हैं, और आप छुट्टी लेकर वहाँ इंजॉय कर रहे हैं। तो स्कॉट मॉरिसन तो खैर वापस आ गए अपनी आधी छुट्टी के बीच में, और उन्होंने आके सबसे पहले अनाउंसमेंट किया
और बहुत अच्छी खुशखबरी दी कि वॉलंटियर जो फायर फाइटर्स लगे हुए हैं और जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स में हैं यानी फेडरल गवर्नमेंट में हैं या उनको 4 वीक्स पेड लीव दी जाएगी। तो ये उन्होंने एक एंटाइटलमेंट जो अनाउंस किया था लास्ट वीक करीब एक हफ्ते पहले, लेकिन आज उन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया। आज सुबह ही एक अनाउंसमेंट आया है कि जितने भी वॉलंटियर फायर फाइटर्स हैं न्यू साउथ वेल्स में उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। उनको कंपनसेशन दिया जाएगा $300 अ डे और अप टू $6,000 इन कंपनसेशन। तो ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा और ये माफ़ कीजिए, ये पेमेंट जो है बिफोर द एंड ऑफ जनवरी मिल जाएगा। और मॉरिसन साहब ये कह रहे हैं कि अदर स्टेट्स एंड टेरिटरीज में भी ऐसी स्कीम शुरू की जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया खुशखबरी लेकर आई है जी। आप सभी वॉलंटियर्स फायर फाइटर्स को तो शत शत नमन है, प्रणाम है जी। हाँ, मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ साक्षात दंडवत प्रणाम है। आप सभी को पैर छूने का मन करता है क्योंकि आप अपने घर बार छोड़ के, अपनी फैमिली हॉलीडेज़ को छोड़ के, अपना क्रिसमस छोड़ के, अपना न्यू ईयर छोड़ के आप जाके लोगों के घरों को बचा रहे हैं, आग से खेल रहे हैं, जो कि बहुत ही भयानक दर्दनाक हादसा हो सकता है और हम और आप सोच भी नहीं सकते जी। हाँ, छोटी सी आग लग जाती है अपने घर में या अपने जल जाते हैं तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, ले वो इतनी बड़ी बड़ी आग को बुझाने के लिए आग में कूद पड़ते हैं। तो आप सब के लिए जी हाँ, फसा वॉलंटियर फायर फाइटर्स आप लोगों के लिए खुशखबरी है। RFS वॉलंटियर्स जो हैं कि आप लोगों को टैक्स फ्री ये जो है $6,000 इन टोटल मिलेगा 10 दिन से आपको ज़्यादा अगर आप काम कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है। चलिए मॉरिसन साहब, यू हैव बिकम ए हीरो, यू हैव बिकम ए दबंग हीरो। आपको तो ये कह रहे हैं कि सारे आप सारे ऑस्ट्रेलियंस मिकाल से आज आपकी वाहवाही कर रहे होंगे। चलिए और एक और प्यारा सा गीत हो जाए जी। हाँ, सलमान खान की मूवी है ये। सलमान खान की, सलमान खान ने शुरुआत तो की थी मैंने प्यार किया से, जिसमें और उस ज़माने के जो सलमान खान थे, और मैं हमेशा से कहता हूँ उस ज़माने के जो सलमान खान थे, शाहरुख खान थे, अमिताभ बच्चन थे, अनिल कपूर थे, जिनका मैं बर्थडे हमेशा हम लोग यहाँ गाने बजाते रहते हैं, बात करते हैं, वो 1970s 80s की बात ही कुछ और थी। आजकल के सलमान खान उतने दमदार या क्या कहिए मनोरंजक नहीं है जितने उस ज़माने के हुआ करते थे। आप लोगों को किस टाइप के सलमान खान पसंद है, 70s 80s वाले या आज के जी हाँ 2000 वाले? तो बात करना चाहे जी हाँ फ़ोन करिए रेडियो मनपसंद जी, पूरा तड़का लगा के लगे रहिए, सुनते रहिए 24/7 जब आपके हाथ में, आपके साथ में। और ये आया प्यारा सा गीत फ्रॉम द मैंने प्यार किया जी हाँ, मुझे तो बड़ा पसंद है। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, अब किस बात की है लड़ाई, वो कह रही है तू चल मैं आई। आप भी आइए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। हैप्पी बर्थडे सलमान भाई।
जितनी दूर है तू जितनी करीब है। अब तो जान पे बन आई, ये है प्यार की गहराई। अब तो जान पे बन आई, ये है प्यार की गहराई। तो किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई। My God. तू चल मैं आई। कम सुन यार, श्रोताओं को क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं। सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, नए साल का हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आने वाले वर्ष 2020 के आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। आशा करते हैं ये नया वर्ष आप सभी के जीवन में खूब सारा प्यार, खुशियां और उमंग, उत्साह सब लेकर आए। और कुछ लोग तो दुआएं कर रहे हैं कि बहुत सारा पैसा लेके आए। यार चलो, पैसे से आपको खुशी मिलती है तो वो भी आ जाए, ये भी मैं आशा करता हूँ लगे। और जी हाँ, सलमान खान की बात कर रहे हैं तो उनके जीवन में भी बहुत सारी खुशियां लेकर आया इस बार उनका जन्मदिन, क्योंकि उनकी जो बहन है अर्पिता खान शर्मा, उन्होंने एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया को जन्म दिया है जिसका नाम है उन्होंने रखा है आयात। तो सलमान खान का 54th बर्थडे में एक बड़ी अच्छी, यदि कह रहे हैं कि सलमान खान खुद कह रहे हैं कि अब मेरा बर्थडे मेरा नहीं रह गया, अब आयात का बर्थडे मना करेगा। तो आयात शर्मा आ गई हैं तो उनके लिए एक प्यारा सा बर्थडे गिफ्ट लेकर आई हैं। ये उनका दूसरा बेबी है, जहां पहला उनका लड़का भी है अर्पिता शर्मा, जो कि सलमान खान की बहन है। चलिए, बहुत सारी बधाई। और आप सब लोग नववर्ष कैसे मना रहे हैं? तो नववर्ष मनाने के लिए सिडनी के फायरवर्क्स की तरफ आप लोग जा रहे हैं, सिडनी के फायरवर्क्स देखने जा रहे हैं, तो उस फायरवर्क्स की भी बात
सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा चल रहा है और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि सिडनी का फायरवर्क्स नहीं होना चाहिए। जितने भी पैसे जो उस पर लगते हैं, करीब $6 मिलियन कह दीजिए, वेस्ट होते हैं या इन्जॉयमेंट में। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, वेस्ट कहाँ होते हैं, इन्जॉय करते हैं। तो $6 मिलियन फायर फाइटर्स या बुश फायर या जिनके घर जल गए उनको दे देना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है जी, ऐसा कुछ होना चाहिए या बुश 6 मिलियन अगर खर्च होते हैं तो उससे ज़्यादा 60 मिलियन शायद सिडनी की इकॉनमी बढ़ा देते हैं। सिडनी की क्यों, न्यू साउथ वेल्स की इकॉनमी बढ़ती है, लोग दूर दराज से लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं खाली सिडनी का फायरवर्क्स देखने के लिए, न्यू ईयर्स मनाने के लिए। क्योंकि ये जो सिडनी का फायरवर्क्स है, आइकॉनिक फायरवर्क्स है, मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं इतना बड़ा फायरवर्क्स कहीं नहीं होता है। तो सिडनी भी वर्ल्ड मैप में छा जाती है, साथ में ऑस्ट्रेलिया भी। तो इस तो आप लोगों को क्या कहना है जी, इस बारे में बात करना चाहें 6287-4348 पे फ़ोन कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। आई एम लाइव ऑन एयर। आप लोगों के बस फरमाइशी गीत ले रहा हूँ और एक और फरमाइश आई है, वो कह रही हैं जी हाँ, हमारे साथ प्रीति जुड़ गई हैं, कहाँ से सुन रही हैं, उन्होंने ऐप के द्वारा। जी ऐप के द्वारा भी आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं जो आपके हाथ में है। जी आपके साथ में है ऐप, एंड्रॉयड का ऐप है, iOS का ऐप है, जिस पे आप सुन रहे हैं उस पे छोटा सा मेन्यू बार है लेफ्ट हैंड टॉप हैंड कॉर्नर पे, वहाँ जाके भी आप अपने उंगली दबा के वहाँ से भी रिक्वेस्टेड सॉन्ग का एक टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। तो प्रीति सुन रही हूँ, कह रही हैं कि दबंग 3 उनको ठीक ठाक लगी, उतनी बढ़िया नहीं थी जितनी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन उनको कई सारे गाने इसके अच्छे लगे, उसमें से एक गाना जो उन्होंने फरमाइश किया वो है मुन्ना बदनाम हुआ। चलिए वो मैं आपको लगा देता हूँ, लेकिन जैसे मैं नववर्ष की बात कर रहा था, नववर्ष आप सिडनी जा सकते हैं, मना सकते हैं, साथ में आप कैनबरा में हैं तो कैनबरा में भी फायरवर्क्स हो रहा है शाम के 7 बजे, यानी 31 दिसंबर की शाम की 7 बजे। एंटरटेनमेंट का पूरा प्रोग्राम रखा गया है आपके सिविक स्क्वायर में, तो वहाँ जाके एंटरटेनमेंट में भाग ले सकते हैं और साथ में जी हाँ 9 बजे का फायरवर्क्स देख सकते हैं। उसके बाद एंटरटेनमेंट चालू रहेगा, वहाँ पर खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं। हमारे जो लिसनर हैं हेमंत भाई, उनका भी टिका स्टैंड का स्टॉक लगा, स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ जाके कुछ छोले वोले खा सकते हैं। जी हाँ, छोले टिक्का का तो बहुत अच्छा है, उनका बड़ा अच्छा मेन्यू में है, लेकिन छोले एंड चावल है शायद। हेमंत भाई वहाँ आप स्टॉल लगा रहे हैं ना, तो बस कैनबरा में रह के भी आप आनंद उठा सकते हैं, और अगर कैनबरा में हैं तो एक और बड़ी ज़बरदस्त पार्टी हो रही है, वो है वेलकम 2020, और ये हो रही है आपके कैनबरा शहर में, जो ब्रूस में एक इंडियन फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, उसका नाम है दी गैंजीज। उसमें दिसंबर 31 को शाम के 6 बजे से ये पार्टी शुरू होगी और 12:30 बजे तो लिखा है, मेरे ख्याल से 12:30 से भी आगे चली जाएगी, और ये पार्टी में आप इंजॉय कर सकते हैं। लाइव डीजे, लाइव फूड स्टॉल्स होंगे, और जैसे शादी होती है जी हाँ शादी होती है, वैसे ही वहाँ पे भी माहौल बना होगा, कई सारे खाने पीने के स्टॉल्स होंगे। खाली एक ही आपको इंडियन कुजीन नहीं मिलेगा, हर तरह का फूड मिलेगा उसमें, स्ट्रीट फूड होगा, तंदूरी कॉकटेल फूड होगा, वेज नॉन वेज स्नैक्स होंगे, अनलिमिटेड फूड एंड फन होगा, और टिकट्स आर ओनली $29 फॉर एडल्ट्स और $12 फॉर किड्स अंडर 8 ईयर्स। इसके लिए आपको प्री बुक करना पड़ेगा जी हाँ, फ़ोन कर सकते हैं दी गैंजीज को, वहाँ पे पुनीत भाटिया या नीतू भाटिया से आप बात कर सकते हैं, उनका नंबर है 02-5100-2591, और ये दी गैंजी रेस्टोरेंट ब्रूस में है, ब्रे ब्रुक स्ट्रीट ब्रूस में। तो जाके इंजॉय कीजिए अपनी पार्टी, यानी वेलकम 2020, लेट्स डू भांगड़ा, लेट्स डू रॉक एंड रोल एंड लेट्स डांस, क्योंकि मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए। जी हाँ, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में। और सलमान खान का नाम लिया, देखिए हमारे साथ उनकी जबरा फैन आ गई हैं, एंटर कर गई हैं स्टूडियो में, और साथ में वाह थैंक यू गिफ्ट, वाह कमाल कर दिया आपने, सलमान खान की तरफ से बर्थडे गिफ्ट भी लेकर आई हैं, क्या बात है। चलिए मैं उनको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, लेकिन पहले गाना सुन लेते हैं, पहले उनको थोड़ा सांस ले लेते, थोड़े दौड़ती हुई आ रही हैं, भागती हुई आ रही हैं, क्योंकि थोड़ी सी लेट हो गई हैं, कोई बात नहीं, ये हॉलीडे सीजन का टाइम है, मस्ती का टाइम है। आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, और फ़ोन करना चाहें 6287-4348, और प्रीति आपके लिए ये प्यारा सा गीत मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, सिर्फ आपके लिए।
कर दिया, अरे कांड कर दिया, अरे कांड कर दिया, तुमने मांगा यूपी गोरी नाम तेरे ब्रह्मांड कर दिया। पांडे खड़े हैं देखो चश्मा लगाएंगे, पान का बीड़ा गिलौरी चबाएंगे। क्या बात है, देखे नगर सारी देखे गुजरिया, लागे कहीं ना इनको नजरिया। पांडे खड़े हैं देखो देखो देखो, तनिक बात सुनिए। We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Hi, मैं हूँ आरजे जगदीश और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 और आप सभी को क्रिसमस की बधाई और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7। Yeah, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ho, 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 ho. लेकिन चलिए वेलकम करते हैं हमारे विशेष मेहमान आ गई हैं स्टूडियो में, रेशमा जी। एंड रेशमा जी हमेशा सलमान खान की बर्थडे मनाने आ जाती हैं जी। रेशमा, मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि साल में एक ही बार आती हैं, वो आती हैं इसी टाइम जब एंड ऑफ द ईयर में, क्योंकि उनका बर्थडे होता है और साथ में सलमान जी का भी बर्थडे आता है। वेलकम रेशमा जी टू रेडियो मनपसंद एक बार फिर से। आपका एक ये कहेंगे फिर से आपका स्वागत है, स्वैग से स्वागत है सलमान खान के शब्दों में कहें तो। वेलकम
थैंक यू मनीष जी, थैंक यू. आप एटलीस्ट साल में एक बार मुझे याद करके यहाँ पे बुलाते हो, और सब मनपसंद रेडियो मनपसंद के श्रोताओं को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, मेरी क्रिसमस. और नया साल के लिए सिर्फ अभी 2 दिन और बाकी है. हाँ, मैं मेरा बर्थडे ज़रूर सलमान खान के साथ आगे पीछे करके सेलिब्रेट करते हैं. मैं नहीं, मेरे हस्बैंड भी. मैं 25th को मेरा बर्थडे है और हस्बैंड का 28th को है, तो हाँ हो ही जाता है तीनों को साथ में. क्या बात है, और बीच में सलमान खान घुस गए. हाँ, कवर में 25 आपके, 28 उनके, और बीच में 27. देव को बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे बहुत पसंद है. देव को आप पसंद है. हाँ, इसीलिए और ये आप आती हैं और साथ में अपने साथ फैन फॉलोइंग लेकर आती हैं. आपका दो फैंस या कहिए दो बॉडीगार्ड्स आते हैं. एक तो आपके अपने हस्बैंड देव साहब हैं और दूसरे आपका बेटा ऋषि है. वो आज कहाँ है? वो नींद निकाल रहा है, संडे का नींद मस्त में निकाल रहा है. तो आप एक सेलिब्रिटी हैं, दो चीयर लीडर साथ में लेकर आती हैं जब भी आती हैं. सही है, सही है. आज वो आराम कर रहा बेचारा. सलमान खान से आप ज्यादा बड़ी सेलिब्रिटी हैं कैनबरा की. थैंक यू. चलिए, और बताइए, सलमान खान की जब बात करते हैं मुझे तो आप ही याद आती हैं. मेरे और कोई सलमान खान का इतना जबरा फैन तो आज तक कोई दिखा नहीं जो कह रहा है कि सलमान खान. आप इतनी जबरा फैन क्यों हैं जबकि लोग सलमान खान को छोड़ते जा रहे हैं? वैसे आज आप देखो, मैं भी बीइंग ह्यूमन बन के आया हूँ. मेरे पास एक ही टी शर्ट है बीइंग ह्यूमन की, मैं हमेशा इसी साल निकालता हूँ. अगली बार बॉम्बे जाऊंगी तो एक और लेके आऊंगी. ओके, सो नाइस ऑफ यू. चलिए, सलमान खान के पास जाए तो हो सकता है वो खुद ही आपको दे दें. सही बात है. आपको मिलने का मौका मिला सलमान खान से? हाँ, वो मेरा एक्चुअली हम लोग का थर्ड एनिवर्सरी था. तभी देव प्राइम फोकस में काम करते थे. तभी प्राइम फोकस इज लाइक पोस्ट प्रोडक्शन एंड मूवीज. अच्छा. तो देव ने बोला था, रिश्मा जल्दी तैयार हो के आ जा, सरप्राइज है. पर मुझे ये सरप्राइज क्या था पता ही नहीं था. और ऋषि छोटा था तभी. तो मैं रेडियो के गई फिल्म सिटी में, सामने सलमान खान बैठा रेडी का शूट के लिए. क्या बात. सलमान और असीन दोनों थे, बट आई कुडंट मीट असीन. पर सलमान से मैं जरूर मिली. और तभी मेरे को लगा डिंच का वो गाने का शूट चल रहा होगा, और तभी वो ब्रेक ले रहा था. एंड दैट इज हाउ आई मेट सलमान. अरे वाह, तो आप मिल चुकी हैं. और उन्होंने आपने बोला कि मैं फैन हूँ. तभी से आप फैन हुई या उससे पहले ही थी? उससे काफी पहले. कब से? मैंने प्यार किया से मेरे को याद है. मैंने आप तो पैदा ही नहीं हुई होंगी जब मैंने प्यार किया. ये 1988 नहीं, मैं हुई थी. अच्छा, हो गई थी. सिस्टर तभी पैदा हुई थी 1988 में. अच्छा. मेरे को याद है, बोलना नहीं चाहिए कि बोलना चाहिए पता नहीं, डोंट टेक इट मी इन अ रॉन्ग वे. मेरे को याद है मैंने स्कूल में पहले बार मेरे मम्मी के पर्स में से 40 रुपए निकाले थे. मम्मी सुनेगी, पक्का सुनेगी. पर याद भी करेगी, शी हैव अ स्माइल ऑन अ फेस नाउ. तो 40 रुपए निकाले थे सलमान खान का पोस्टर खरीदने के लिए. हम आपके कौन का. अच्छा. और मैं खरीद के लाई, आर्ची से लेके आई थी. आर्ची तभी सबसे एक्सपेंसिव शॉप था. आर्ची से लेके आई थी और मैंने मेरे वॉल पे लगाया था. तो हमारा वन रूम किचन था, काफी छोटा घर. और मम्मी के किचन के ऑपोजिट में ही बड़ा पोस्टर लगा के रखा था. मम्मी बोली, ये कहाँ से आया? मैंने बोला, मेरे फ्रेंड ने दिया है. पर मम्मी को फिर पता चला और जो धुलाई हुई मेरी सॉलिड. चलिए, बहुत बढ़िया. और भी बातें होंगी आपसे रेशमा जी, आपसे सलमान खान की भी बातें होंगी, आपके बारे में बात होंगी, और आपके साथ जो आपके फैन आए हैं, आपके खुद के बॉडीगार्ड हैं देव साहब, उनसे भी गपशप होगी. देव साहब एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि देव को सलमान खान पसंद नहीं है. इज इट? हाँ, देव को इतना नहीं है. बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद. पर उसको एक मूवी वो बार बार देखता है, टाइगर जिंदा है और एकता टाइगर, वो उसको अच्छा लगता है. अच्छा. दबंग देखी आपने? दबंग 3 जो अभी आई है. मुझे पूछो मत यार, मैं आधे में उठ के चली गई. तो ये कैसी आप फैन है? सलमान खान सुन रहे होंगे इस समय तो कहेंगे. मुझे लगता है वो 90s का हीरो जो था ना, वो ही ठीक था. मैंने पर मुझे लगता है जो खान्स अभी सब है, आई थिंक इट्स टाइम फॉर देम टू रिटायर. ओह माय गॉड. गेट इनटू अ रोल जो सूटेबल है उनके लिए.
कैरेक्टर रोल करें, हाँ, कुछ सीनियर रोल करें, बाप का रोल करें, ससुर का. लगता है कि इंडस्ट्री में आयुष्मान खुराना है, देयर आर मेनी अदर राजकुमार राव हैं, हाँ, अभी नए निकल के रणवीर सिंह है, रणवीर कपूर है, रणवीर सिंह इज लाइक अमेजिंग. तो आई थिंक दे नीड टू टेक ओवर रादर देन द खान्स नीड टू एक्चुअली टेक अ स्टेप बैक नाउ. सारे खान्स उनके बाप या बन के आए या उनके बड़े भाई बन के आए तो ठीक है, ठीक है, फिर वो चलेगा. चलिए, आपने हम आपके हैं कौन की बात की तो सलमान खान खुद कह रहे हैं हम आपके कौन, लगे रहिए सुनते आपके हैं कौन, हम आपके हम आपके हैं, आपके हैं कौन, हम खो गए, हम लोग इस गाने में इतना खो गए पता ही नहीं चला गाना कब खत्म हो गया था. आप लोग लग रही है सुनते रहिए जी हाँ रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के, और बात कर रहे हैं सलमान खान की, फारूक शेख की, नव वर्ष की, फायरवर्क्स की, और नव वर्ष की आप लोगों की तैयारियां चल रही होंगी, और आप लोगों की क्या तैयारी है? रेशमा जी, देव, आप लोग कहाँ
घूमने का प्लान है. आप सुना जॉब कर रहे हैं अभी भी? हाँ, मैं जॉब मतलब जॉब अभी भी मतलब क्या मतलब है कि छुट्टियों में भी जॉब चल रही है? मुझे लगा सबकी छुट्टियां होती हैं, खाली वॉलंटियर्स जो काम करते हैं वो ही लगे रहते हैं. नहीं, जब कॉल आता है तो मुझे जाना पड़ता है. अच्छा, ठीक है. जॉब ही वैसा है इसलिए. जॉब जॉब बिल्कुल ठीक है, जैसे भी है. देव भाई आप भी लगे हुए हैं. वेलकम देव टू रेडियो मनपसंद. आपसे गपशप नहीं हुई, आपको ऑफिशियली स्वैग से स्वागत नहीं हुआ आपका. थैंक यू. रेशमा जी जहाँ हैं वहाँ आप हैं, जरूरत नहीं है. चलिए, और बात कर रहे थे हम लोग ये जो छुट्टियाँ आती हैं, मेरे ख्याल से ये कह रहे आप लोग क्या करते हैं, कैसे टाइम पास करते हैं छुट्टियों को? मतलब 10 दिन तो आपकी छुट्टियाँ हैं ही नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि हम लोग की तो छुट्टियाँ हैं. तो अब आओ, वैसे भी जैसे मैंने कहा कि धुआं हो रहा है, लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, घर में ही बैठे हुए हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, और क्या कर सकते हैं, खाली खाना खा रहे हैं और खाना बना रहे हैं. और यही लाइफ है ना, यही लाइफ है, ऐसे ही चलता रहे ऐसे ही चलता रहे, कोई जॉब जाना जाने की जरूरत ना पड़े तो कितना अच्छा होगा. लेकिन हम सब अंधी दौड़ में लगे जाते हैं और भागते रहते हैं. और जी हाँ, और क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट आप लोग बॉक्सिंग डे मैच देख रहे होंगे, लेकिन उस पर बॉक्सिंग डे पे भी क्लाइमेट चेंज का कुछ असर होने वाला है. क्लाइमेट चेंज का अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, क्यों कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के जितने भी कंजर्वेशनिस्ट हैं, सही बोला ना, कंजर्वेशनिस्ट कुछ टंग ट्विस्टर है, उन्होंने रिपोर्ट लिखी है कि इतनी गर्मी होती है बॉक्सिंग डे मैच में और स्पेशली ग्राउंड पे, तो उन्होंने कहा है कि ये मैच को हटा के 26 दिसंबर को हटा के कभी नवंबर में या लेट जनवरी में होना चाहिए, जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि नहीं तो ये प्लेयर्स के लिए भी अच्छा नहीं है और जो वहाँ बैठने जो देखने आते हैं दर्शक उनके लिए भी अच्छा नहीं है. तो काफ़ी इस पर काफ़ी चर्चाएँ चल रही हैं और हो सकता है ये मैच को हटा दिया जाए. चलिए, और आप लोगों की नववर्ष की क्या तैयारी है, कुछ नई प्लान है? वो उस दिन भी आप लोग काम कर रहे हैं मुझे लगता है. रियली? तो आपके लिए नववर्ष क्या है? मतलब न्यू ईयर ईव तो कुछ है ही नहीं, मतलब इट्स अनदर डे, बस खाली कैलेंडर चेंज हो रहा है आपके लिए, डेट चेंज हो रहा है. इट्स एवरी डे की लाइफ ऐसी है. तो क्या मतलब हर साल ऐसे ही आपका रहता है या अगली इसी साल? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है जो हम दोनों जॉब कर रहे हैं और दोनों काफी बिजी है, पर टाइम निकाल ही लेते हैं इधर से कभी सिटी मॉल में जाने के लिए. कल गुड न्यूज देखा था, मुझे लगता है सब लोग गुड न्यूज देखना चाहिए. अच्छा, गुड न्यूज हैज ब्रॉट अ गुड न्यूज टू एवरीबॉडी. रिव्यूज मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था तो उतने अच्छे नहीं थे, 2 स्टार मिला किसने, 2.5 स्टार दिया, बोला कि अच्छा है, इट्स एंटरटेनिंग, इट्स कॉमेडी, बच्चों को ले जा सकते हो. अच्छा, इट्स अ फैमिली फैमिली मूवी एंड कॉमेडी ऑफ एरर्स के ऊपर है. अक्षय कुमार इज सुपर. अच्छा, अक्षय कुमार और सलमान खान मेरे को कभी पसंद नहीं है, लेकिन शायद अगर कॉमेडी में शायद अच्छे. कल के मूवी में अक्षय कुमार से ज्यादा जो सेकंड एक्टर था दिलजीत दोसांझ, सुना है? ऑसम सुना है, जो मैंने जिसकी स्टोरी पढ़ी तो दिलजीत दोसांझ एक कॉमन मैन बना है, जैसे कि एकदम ही आम भाषा में, और उसने जो रोल निभाया, तो आप लोगों को मूवी पसंद आई. चलिए, गुड न्यूज की बात. उसके वजह से मुझे ऐसा लगा उसमें काफी बॉम्बे का था, तो मुझे ऐसा लगा भले इंडिया जा नहीं पाए पर बॉम्बे तो देख लिया वो मूवी. चलिए, और तो गुड न्यूज की तो अच्छी गुड न्यूज आई है, तो दबंग 3 इतनी नहीं चली, गुड न्यूज चलेगी, गुड न्यूज तुम्हें कल से दौड़ेगी. तो गुड न्यूज का एक गाना लगा देते हैं, और आपको जैसे बता रहे हैं कि नववर्ष आप मना रहे हैं, तो एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर देते हैं कि वेलकम 2020 की पार्टी आपके कैनबरा शहर में हो रही है. आप जाना चाहें दी गंजीज रेस्टोरेंट में जा सकते हैं. जी हाँ, हमें उदय भाई ने टेक्स्ट किया था, उन्होंने पूछा था कि इसकी जानकारी आप फिर से एक बार दे दें तो बहुत बढ़िया है. जी हाँ, उदय भाई आपके लिए फिर से वेलकम 2020 की जो पार्टी है 31 दिसंबर को आपके कैनबरा शहर में दी गंजीज रेस्टोरेंट में, जो कि ब्रे बुक स्ट्रीट पर है, बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है, अगर आप लोग नहीं गए हैं वहाँ जा सकते हैं. खाना भी बहुत सुपर्ब है, खाना अच्छा है, पुनीत काफी है उसके खाने को प्रेजेंट करने में, और उनका हॉस्पिटैलिटी भी बहुत सुपर्ब है, बहुत बढ़िया. और मैं एक दो बार जा चुका हूँ, मुझे तो उसका डिकोर अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे बनारस की याद आ जाती है. दी गंजीज जो नाम रखा है उस नाम पे वो खरा उतरता है. सही बात है, तो वो उसका लोगो बोलो, इंटीरियर्स बोलो, सब सुपर्ब है, बहुत बढ़िया. चलिए, और एक पिक्चर गुड न्यूज़ की बात कर रहे थे, तो गुड न्यूज़ जी हाँ, और आप सब के न्यू वर्ष में भी गुड न्यूज़ आए,
गुड न्यूज़, मतलब वो वाली गुड न्यूज़ नहीं जो इसमें दिखाई है कोई अगर हाँ अगर वो आ जाए तो और भी अच्छा है। जी हाँ, सलमान खान के घर में तो गुड न्यूज़ आई, अर्पिता उनकी बहन थी, उन्होंने आयात ने बेटी ने जन्म लिया। तो चलिए एक प्यारा सा गीत हो जाए, गुड न्यूज़ का पार्टी हो रही है, पार्टी शुरुआत। तो आपको कौन सा गाना पसंद आया रेशमा जी, आपकी पसंद का कोई लगा देते हैं गुड न्यूज़ का? सौदा खरा या चंडीगढ़ में, सौदा खरा खरा चंडीगढ़ में आप चलिए एक एक प्लॉट ले लेते हैं, घर बना लेते हैं चंडीगढ़ में। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मन पसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के और मना रहे हैं पार्टी नव वर्ष की। हैप्पी न्यू ईयर। ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल। जी हाँ, जला दो घर चंडीगढ़ में फ्रॉम द मूवी गुड न्यूज। और रेशमा जी कह रही हैं कि गुड न्यूज इज ए गुड मूवी, आप जाके देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और अपना नववर्ष मना सकते हैं। और साथ में एक और पार्टी हो रही है, वो लेकर आ रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑफ एसोसिएशन ऑफ कैनबरा। ये पार्टी होगी 25 जनवरी 2020 में। जी हाँ, नववर्ष में आईएसी लेकर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया इंडिया अवार्ड्स नाइट, जिसमें इसमें जी कम्युनिटी सर्विस के अवार्ड्स होंगे, इमर्जिंग बिजनेस के अवार्ड्स होंगे, सोशल सर्विस के अवार्ड्स होंगे, साथ में आप इंजॉय कर सकते हैं। डिनर प्रोवाइडेड है एंड लाइव डीजे होगा, मल्टी कल्चरल स्टेज परफॉर्मेंसेज होंगे। इसके टिकट्स आपको लेने पड़ेंगे जाके eventickets.com.au। जी हाँ, even tickets.com.au। और टिकट्स VIP $120, एडल्ट $60, जनरल $40 और किड्स 6 to 12 ईयर्स $25। इसकी सारी जानकारी हमारे फेसबुक पेज पे जाके जा सकते हैं, जी facebook.com/radio-manpasand पे जाके इसका फ्लायर देख सकते हैं। नहीं तो आप सैंडी मित्रा जो कि इस IAC के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको फ़ोन कर सकते हैं 04224158040422415804। और हमारे साथ इस समय लाइन पर मौजूद हैं हमारी प्यारी सी श्रुति दीपा जी। नमस्कार दीपा जी, वेलकम टू रेडियो मनपसंद। हेलो, लग रहा दीपा जी कहीं खो गई हैं। हेलो 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 दीपा जी, हेलो, आई कैन हियर यू। मनीष जी, हाउ आर यू? नमस्कार, वेलकम टू रेडियो मनपसंद।
थैंक यू, मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपके सारे परिवार जनों को। जी थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू, एंड नमस्कार रेशमा जी एंड राजपाल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं बहुत ही अच्छे से हर बार संडे का प्रोग्राम बिना मिस किए हुए और बहुत ही अच्छे आप यू नो कनेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छे विचार लेकर आते हैं हर बार शेयर करने के लिए। और इस बार आपने बोला कि ये जो सिडनी फायरवर्क्स है उसमें डिफरेंट थॉट्स है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मेरे भी कुछ थॉट्स है अबाउट इट कि सिडनी फायरवर्क्स में हमें इतना खर्च कर रहे हैं हर साल, और उसमें जो इस बार जो ऐसे ही अपने घर में इतना फायर हो रहा है, तो ये बहुत दुख की बात है कि हम ये इतना और खर्चा करें और फायरवर्क्स को एंजॉय करें, मतलब सेलिब्रेट करें। लेकिन ये और एक बात है, मेरी सोच ये है कि ये फायरवर्क्स करने के लिए रातों रात तो उन्होंने अरेंज किया नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये जब जो तैयारियां होती है वो 4 या 5 महीने पहले से शुरू हो जाती है, तो बाय दिस टाइम तो एवरीथिंग इज डन, तो उसको जस्ट जलाना ही बाकी है, फायरवर्क्स करना ही बाकी है। तो ऑलरेडी उन्होंने ना इन्वेस्ट कर लिया है जी हाँ, काफी कुछ, तो मुझे लग रहा है अगर वो नहीं करेंगे तो वो तो मनी वेस्ट होने वाला है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो प्रैक्टिकल थॉट ये है कि बस आप करने दो फायरवर्क्स, और जो है वो थोड़ा एंजॉय करेंगे लोग, और यू नो द प्रैक्टिकल थिंग इज दैट कि आपको वैसे भी कुछ भी लाइफ में होता है, कुछ भी है, आपको तो जीना है। जी हाँ, द शो मस्ट गो ऑन, सो मस्ट गो ऑन। सो मेरा थॉट फायरवर्क्स के बारे में यही है। एक और चीज भी कर सकते हैं आप, फायरवर्क्स भी एंजॉय कर सकते हैं और साथ में जाके अपने डोनेशन भी कर सकते हैं, दोनों, बोथ यू कैन डू इट। डोनेशन देने के लिए कोई मतलब, कहने का मतलब है ये तो एक्स्ट्रा। और आज जैसे स्कॉट मॉरिसन ने अनाउंस कर दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कह दिया कि $6,000 वॉलंटियर फायर फाइटर्स को एज ए कंपनसेशन दिए जाएंगे जो भी 10 दिन से ज़्यादा फायर फाइटिंग में इन्वॉल्व है, और साथ में अगर वो फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उसको 4 वीक्स का पेड लीव मिलेगा। तो ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी की बात है। तो आई थिंक फायरवर्क्स भी चलने चाहिए, लेकिन अभी जो खबर आ रही है जो कि RFS रूरल फायर सर्विस के जो कमिश्नर हैं उन्होंने कहा है कि 42 डिग्रीज जाने वाला है ऑन ट्यूजडे को, तो उसके वजह से अगर सीवियर से कैटास्ट्रोफिक कंडीशन हो जाती है फायर की, यानी बुश फायर की, तो शायद हो सकता है फायरवर्क्स कैंसिल करने पड़ जाएं, क्योंकि उससे जो धुआं फैलेगा या उससे आग लगने का खतरा बन सकता है। जो फायरवर्क्स होते हैं जनरली होता नहीं है क्योंकि ये तो सी के हार्बर के ऊपर है, लेकिन चांसेस बन सकते हैं, तो हो सकता है उनको कैंसिल करना पड़े अगर वो बुश फायर सिडनी की तरफ आ रही है। अभी तक तो अभी है नहीं, काफ़ी कंट्रोल की हुई है ब्लू माउंटेंस की जितनी भी फायर था, और स्पेशली अभी जो सबसे ज़्यादा फायर लगी हुई है बेटमेंट्स बे की तरफ लगे, अलाडाला और बेटमेंट्स बे के बीच में जो है, जिसकी वजह से किंग्स हाईवे बंद है और 1 महीने तक बंद रहेगा। तो अगर कैनबरा वाले जो जाना चाहते हैं बेटमेंट्स बे या साउथ कोस्ट की तरफ, तो आपको या तो वाया कूमा या बीगा जाना पड़ेगा या वाया आपको सिडनी से होते हुए प्रिंसेस हाईवे पकड़ना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल। तो आप, हम तो खैर घर पे ही है और घर पे देखेंगे टीवी पे बैठ के क्योंकि इतना धुआं फैला है कि लोग कह रहे हैं कि कैनबरा का फायरवर्क्स देखने के लिए भी लोग सोच रहे हैं, क्योंकि धुआं ऑलरेडी इतना है और लोगों को सांसों की सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा जिनको है, और तो वो कह रहे हैं कि टीवी पे बैठ के जो नजारा मिलेगा वो ज्यादा बेटर है जन गोइंग। तो आपका कैसा चल रहा है, आपका क्या प्लान है, कोई रेजोल्यूशन है आपका 2020 का दीपा जी कुछ, या इट्स अनदर डे फॉर जस्ट लाइक देव और यहाँ रेशमा बैठे वो बोल रहे हैं अनदर डे फॉर देम, वो काम कर रहे हैं 31 को भी काम कर रहे हैं और 1 तारीख को भी शायद काम कर रहे हैं। जी हाँ मैं सहमत हूँ रेशमा से, मैं बहुत ही सहमत हूँ क्योंकि हर साल चलिए खुशहाल हो नया ईयर, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं सबके लिए, तो उसकी परछाई मेरे हम पे भी पड़ती है ना। बिल्कुल तो सही मैं, बात है। या मैं सबको ही ये देने वाली हूँ कि बस सभी खुश रहे हैं नए ईयर में और बस खुशहाली जिंदगी जिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू दीपा जी, आशा करते हैं आपकी दुआएं सबको लगे
आपका जी. थैंक यू वेरी मच. आपको भी मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर दीपा जी. और मैं तो मैं तो आपसे भी कहूंगा, सबसे कह रहा हूँ कि एक प्रार्थना भी कीजिए हमारे जितने भी बुश फायर विक्टिम्स हैं, जो बेचारे जो इनके घर जल गए, बेघर हो गए, जो इस हादसे के थ्रू गुजर रहे हैं, उन पे क्या गुजर रही होगी हम विश्वास सोच भी नहीं सकते क्या कितनी. क्योंकि हमारे घर में कोई एक फैमिली की डेथ मेंबर की डेथ हो जाती है, वो कितना दुख होता है, उससे भी ज़्यादा है कि अगर आपका घर जल जाए सारे जितने भी. सही बात है. तो वो और एक प्रार्थना हमारे किसान भाइयों को भी कर लीजिए कि बारिश हो जाएगी ना तो बुशफायर भी चली जाएगी और सूखा भी थोड़ा दूर. बारिश ही नहीं हो रही, कितने दिनों से बारिश नहीं हुई है. लगान का गाना गाना पड़ेगा सबको साथ में. मेरे ख्याल से कोई जैसे हमारे आरजे अमोद जी हैं, क्लासिकल सिंगिंग करते रहते हैं, वो कहते हैं मेघ मलार कुछ गा दो यार, कुछ तो बारिश हो, नहीं तो कोई भी सब लोग शायद प्रार्थना करें तो इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाए और शायद बरसात दे. मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से. चलिए. और मैं आपको ज्यादा रोक के नहीं रखूंगी. बिल्कुल. पीछे से आपकी एक रेडियो की आवाज आ रही है, जो पीछे से आपकी प्यारी बेटी त्रिशा शायद कुछ गाने गाने उनको धकेल दिया है कि हर बार उनको बात करनी होगी. उनको धकेलो मत, उनको भी इंजॉय करना, उनको भी लगा दे. अगर वो रेडियो पर बात करना चाह रही है लाइव, हैप्पी न्यू ईयर बोल सकती है त्रिशा. नहीं नहीं आज इस बार नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम उसको तैयारी करके लेकर आऊंगी. चलिए ओके. थैंक यू दीपा, अच्छा लगा आपसे बात करके. लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को. टेक केयर, बाय बाय. लगे रहिए, सुनते रहिए. जी हाँ दोस्तों, बस नववर्ष की बात हो रही है तो सलमान खान का एक प्यारा सा गीत आता था. जी हाँ, नववर्ष में पार्टी शार्टी होती है, उसके बाद जो होता है एक तारीख को वो होता है हैंग ओवर. तो ये सलमान खान की आवाज में उन्हीं का ही फिल्म का एक प्यारा सा गीत. मूवी कौन सी थी रेशमा जी, याद है आपको? किक. और किक में जिनकी एक्टिंग सलमान खान की तो उतनी मजा नहीं है जितनी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ज्यादा मेरे को अच्छी लगी. सुपर विलन थे. चलिए हैप्पी बर्थडे सलमान भाई एंड हैप्पी न्यू ईयर. जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, समझा नहीं ये दिल इसको हम तो रहे समझाते. जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, समझा नहीं ये दिल इसको हम तो रहे समझाते. मैंने देखा तुझे भुला के हर एक तरकीब लगा के, हर नुस्खे को आजमा के, पर दिल से कभी न उतरे. हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का, हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का. जाने कब होठों पे दिल ने रख दे दिल की बातें, समझा नहीं ये दिल इसको हम तो रहे समझाते. जाने कब होठों पे दिल ने रख दे दिल की बातें, समझा नहीं ये दिल इसको हम तो रहे समझाते. मैंने देखा तुझे भुला के हर एक तरकीब लगा के, हर नुस्खे को आजमा के, पर दिल से कभी न उतरे. Yeah.
Yeah, hangover, तेरी यादों का hangover, तेरी बातों का. और बातें करने के लिए हम आ जाते हैं जी संडे की सुबह 10 से 12 बजे और मंगलवार की शाम 7 से 8 बजे. और अब आप और भी जी हाँ 5 घंटे जुड़ सकते हैं मनपसंद मॉर्निंग में मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से 11 बजे मेरे साथ यानी आपके अपने मनपसंद आरजे मनीष के साथ. और हैंगओवर की बात करें तो 1 जनवरी जो होता है सबसे बड़ा जो कहते हैं कि पब्लिक सर्विस में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलियन पब्लिक सर्विस की बात करें सबसे बड़ा सिकी डे होता है. उस दिन सबसे ज़्यादा सिकीज ली जाती हैं. 1 को तो खैर छुट्टी है, 2 जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ जी हाँ. 31 की छुट्टी होती है, 1 की छुट्टी होती है, फिर 2 को जो सिक्की मारी जाती है वो सबसे ज़्यादा सिकी होती है. रेशमा जी या देव जी हमारे साथ हैं जी हाँ. रेशमा जी देव जी हैं, वो तो सिक्की लेते ही नहीं है, वो तो 31 को भी काम करते हैं, 1 को भी काम करते हैं, 2 को काम करते हैं. सिक्की आप लोग लेते हैं? नहीं लेते हैं? नहीं, मैं नहीं लेती. नहीं लेते? अच्छा ठीक है. स्वस्थ रहो, मस्त रहो. स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बिंदास रहो, तो सिक्की आप कभी नहीं लेते. हैंगओवर की बात कर रहे हैं, साथ में हम ये भी बात कर रहे हैं कि डोनेशन की. जी हाँ, डोनेशन की भी बात कर हमारे साथ. डोनेशन की बात करने के लिए देव जी हमारे साथ हैं. देव जी, क्रिसमस इज अ टाइम ऑफ गिविंग. क्रिसमस इज टाइम ऑफ हम जैसे हम बात करें फार्मर्स की हम हेल्प करनी चाहिए, फायर फाइटर्स की हेल्प करनी चाहिए, जो बेघर हो गए उनकी हेल्प करनी चाहिए, और जितने भी होमलेस हैं उनको भी याद करना चाहिए. और होमलेस के लिए इसके लिए डोनेशन ड्राइव भी चलता है. साथ में बच्चे जो जो क्रिसमस के टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकते गिफ्ट्स वगैरह या, तो उनको भी देने के लिए एक डोनेशन ड्राइव चलता है सेंट विंसेंट द्वारा, सेल्वेशन आर्मी द्वारा, बहुत लोग आपके ऑफिसेज में, हमारे सब ऑफिसेज में चलता है. लेकिन एक डोनेशन जिस पे काफ़ी चर्चा नहीं होती है वो है ब्लड डोनेशन, और साथ में एक दूसरा है ऑर्गन डोनेशन. ऑर्गन डोनेशन, तो आप प्लाज्मा डोनर हैं, मैं भी प्लाज्मा डोनर हूँ, तो इस बारे में हम लोगों को अवेयर करा सकते हैं कि ये भी एक तरह का डोनेशन है जो आप अपनी लाइफ में जोड़ सकते हैं. एंड इट्स अ वेरी गुड डोनेशन. दैट्स ट्रू, या. एंड प्लाज्मा डोनेशन कहते हैं कि इट्स गिव्स लाइफ, किसी को आप जिंदगी दे रहे हैं. या तो आप कब से कर रहे हैं प्लाज्मा डोनेशन? आफ्टर यहाँ पे आने के बाद मैंने 3 बार किया हूँ अभी तक, और 2 बार मिस हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज. या तो दे डोंट एक्सेप्ट इफ यू हैव एनी कफ एंड ऑल, उन लोग एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज, इसलिए. तो दिस इज द 3rd टाइम आई डिड यस्टरडे. अच्छा, प्लाज्मा आपने नहीं, ब्लड आपने दिया ब्लड डोनेशन? ब्लड यहाँ पे नहीं दिया हूँ, लेकिन इंडिया में आई वाज द रेगुलर डोनर. डोनर देते थे. और दोस्तों आप लोग जा सकते हैं ऑस्ट्रेलियन रेड क्रॉस लाइफ ब्लड की वेबसाइट है donateblood.com.au पे, वहाँ पे आप सारी जानकारी ले सकते हैं. लेकिन ब्लड दे सकते हैं, और जो ब्लड जैसे मैं हमेशा ब्लड डोनर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि बी पॉजिटिव मेरा ब्लड है, जिंदगी भी मेरी बी पॉजिटिव वाली है. तो और उन्होंने कहा कि बी पॉजिटिव जो ब्लड है काफ़ी कॉमन है, और 20-30% यहाँ होता है ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको ज़रूरत नहीं थी. उन्होंने सजेस्ट किया प्लाज्मा, तो काफ़ी मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए मैं प्लाज्मा डोनर रहा हूँ. प्लाज्मा एक, अगर कहा जाए तो ब्लड में एक येलोइश लिक्विड होता है जो कि बियर जैसा दिखता है, जो ब्लड को जस्ट टेक आउट द ब्लड, उसमें से ब्लड से वो प्लाज्मा निकल के ब्लड गोज बैक टू द बॉडी. तो मतलब आपका ब्लड निकालते हैं और उसके बाद एक सेंट्रिफ्यूगल फोर्स से एक मशीन होती है जिससे वो प्लाज्मा निकलते एक्सट्रैक्ट होता है, और फिर बाद में वही ब्लड आपको वापस आ जाता है. तो आपके ब्लड लॉस नहीं होता, आपको कमजोरी भी नहीं लगती है, और आपको वापस आपका ब्लड आ रहा है विद सलाइन वाटर के साथ. और मालूम ही नहीं पड़ता है कि इट्स सो इजी एंड सो रिलैक्स एंड ऑल. या यू कैन एंजॉय वाइल हैविंग अ बुक रीडिंग, मोबाइल देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, और वहाँ और उसके बाद जो आपका जो प्लाज्मा या आपने ब्लड दिया उसके बाद जो आपको आपका खाने पीने के साथ खातिरदारी करते हैं, ऐसा लगता है आप ससुराल आ गए. दैट्स ट्रू. दामाद की तरह आपको खातिरदारी खाने पीने को दिया जाता है, फ्रूट से लेकर, और वहाँ पे जो सॉसेज रोल्स हैं वगैरह, वेजिटेरियन है, वहाँ पे चिप्स है, डिप्स है वगैरह वगैरह, बहुत अच्छा. द वाटर बॉटल, ऑरेंज जूस, एवरीथिंग, एनीथिंग यू कैन, यू कैन एंजॉय. तो आप किसी की जिंदगी बना रहे हैं अपने डोनेशन से. तो आप लोगों को बस मैं श्रोताओं आप लोगों को बोलूँगा कि प्लीज जाइए ब्लड डोनेट कीजिए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए. और प्लाज्मा इज़ ए वेरी लाइफ सेविंग, एक तरह का कह दीजिए कि लिक्विड है या प्लाज्मा है. प्लाज्मा टीवी की बात नहीं कर रहे, प्लाज्मा डोनेशन की बात कर रहे हैं. और प्लाज्मा जैसे कैंसर में काम आता है, जो बोन मैरो में काम आता है, बोन मैरो का ऑटो इम्यून डिजीज जिसको उसके लिए यूज़ होता है. तो
और साथ में एक और डोनेशन की मैं बात करूंगा, ऑर्गन डोनेशन। अगर आपने ऑर्गन डोनेशन अभी तक साइन नहीं किया तो प्लीज जाइए। ऑर्गन आप लोगों ने कर लिया? दोनों ने कर लिया। बहुत अच्छा किया। इट्स अ वेरी वेरी लाइफ गिविंग, सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप किसी को दे सकते हैं। जब मैं ऑस्ट्रेलिया लैंड हुआ था उसके आई थिंक विद इन वन या टू मंथ्स के टाइम पे ही आई साइन अप फॉर द ऑर्गन डोनर। वेरी नाइस, वो हम सब ने कर लिया अपने फैमिली में। और जरूरी है कि आप, अब आप चले गए तो आपकी ऑर्गन्स की किसी को जरूरत है आ जाएगी, तो ये इससे बड़ा क्या बात है। और सबसे बड़ा होता है आई डोनेशन, एक आई डोनेशन कर सकते हैं, वो तो बहुत किसी को आंखों मिल जाएगी। और आपका लीवर है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, और आप किडनी है वगैरह वगैरह, जो निकाल से क्या लेके जाना है, वही तो गली बॉय का गाना याद आता है, तो नंगा ही तो आया है क्या, घंटा लेके जाएगा, तो आप ना पैसे ले जा सकते हैं, ना घर ले जा सकते, गाड़ी ले जा सकते, अपने ऑर्गन्स लेके जाके क्या करेंगे, सब तो जल जाना है, तो इसलिए कुछ दे जाइए यहाँ पे, तो वो जो इसको मिलेगा वो आपके आपको वो तो याद रखेगा, और हो सकता है कि आप अगले जन्म में कुछ अच्छे इंसान बन के आए उनकी दे। और एक और चीज है, मुझे लगता है काफी लोग फेसबुक पे है, तो फेसबुक पे अगर आपका बर्थडे है तो आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो डोनेशन के लिए। जैसे इस टाइम मैंने बर्थडे पे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट किया था, द ट्रस्टी फॉर NSW रूरल फायर सर्विस एंड ब्रिगेड सर्विसेज। सो आप वो नॉन प्रॉफिट, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। अच्छा। और उसमें आपके फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो कि वो थोड़ा उसमें डोनेशंस डाले, तो फोर्सफुल नहीं है, जिसको विलिंगली डोनेशन देना है वो कर सकता है, पर वैसे कुछ और लिमिटेशन है, कुछ $300 का, तो एक बार वो डॉलर बन जाता है इट एंड एवरीथिंग इज लाइक ऑनलाइन, वो आपके पास कुछ नहीं आता है, वो सीधा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली उनके पास ही जाता है। अच्छा। तो छोटे डीड्स करो लाइफ में और खुश रहो। क्या बात है, इट्स सेफ, यू डोंट हैव टू गिव एनी कार्ड डिटेल्स एंड ऑल, इट्स गोस थ्रू पेपल एंड ऑल। अच्छा, तो ये भी एक तरह एक तरह का डोनेशन है, और अपने बर्थडे आप नहीं बनाना चाहते हैं और किसी की किसी को हेल्प करना है अपने बर्थडे पे, बहुत बढ़िया, क्या क्या जेनरोसिटी है। ये चीज आपके रेजोल्यूशन में होना चाहिए 2020 में। जी हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, इस बात पे सलमान खान का गीत याद आ गया, जग घूमिया थारे जैसा कोई नहीं। जी हाँ, ऐसे बस ये सारे लोग मेरे ख्याल से गुनगुनाएंगे। चलिए, आप सब लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के 2400 घंटे हो गया। जी हाँ, रेडियो मनपसंद सातों दिन अब आपके हाथ में, आपके साथ में। अभी तक आप 91.1 FM पे कैनबरा में सुन रहे हैं, तो प्लीज़ एक अपना छोटा सा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। रेडियो मनपसंद का ऐप है, जो कि iOS का ऐप है, एंड्रॉयड का ऐप है, अपने मोबाइल डिवाइस या अपने डिजिटल डिवाइस पर डाउनलोड कर लीजिए, तो आपका लिसनिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि डिजिटल डिवाइस से जो सुनने में मज़ा है वो आपका डायल रेडियो पर सुनने में मज़ा नहीं आता। हो सकता है आपका कहीं सिग्नल वीक हो जाए या फ्रीक्वेंसी नहीं मिले, और आप ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे हैं और बस गोलबन के बाद आपका वो सिग्नल कट जाए, तो उससे अच्छा है कि आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें और आपने MP3 आजकल तो सबके कार में ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ नहीं है आपके कार में तो एक छोटा सा डिवाइस मिलता है मेरे से $10-15 का, वो अपने सिगरेट लाइटर के प्लग में लगा सकते हैं, और ब्लूटूथ किसी भी गाड़ी को आप ब्लूटूथ डिवाइस से डिजिटल कार बना सकते हैं। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। चेहरा नूरानी कहीं कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं जग घूमिया थारे जैसा ना कोई जग घूमिया थारे जैसा ना कोई ना तो हंसना रुमानी कहीं ना तो खुशबू सुहानी कहीं ना वो रंगली यादें देखी ना वो प्यारी सी नादानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग घूमिया थारे जैसा ना कोई जग घूमिया थारे जैसा ना कोई जग घूम
बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू, रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है सुबह की अजान है, चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू, कहीं आग जैसी जलती है बने बरखा का पानी, कहीं कभी मन जाना चुपके से यूं ही अपनी चलानी, कहीं जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। नसीबों में या हौसले की बातों में, सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में, संग तुझे रखना है, संग तुझे रखना है, तूने संग रहना, मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बातों में तेरी मिलती निशानी, कहीं जो है सबको दिखानी, कहीं तू तो जानती है मर के भी मुझे आती है निभानी, कहीं वही करना जो है कहना, जग घूमे थार जैसा ना कोई, जग घूमे थार जैसा ना कोई, जग घूमे थार जैसा ना कोई, जग घूमे थार जैसा ना कोई। जी हाँ, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, हम तो यही कहते हैं कि कैनबरा जैसा शहर आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, जो यहाँ एक बार आ जाता है यहीं बस जाता है। और ऐसे ही कुछ हमारे एक और रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट है दी गैंजीज, जो जो वहाँ जाता है एक बार खाने तो बार बार आता है। जी हाँ, जग हमारे साथ दी गैंजीज की ओनर हमारे साथ हैं नीतू भाटिया जी। नीतू जी नमस्कार, वेलकम टू रेडियो मनपसंद। थैंक यू मनीष जी, कैसे हैं? बस कैसे हैं नीतू जी, और आपके साथ पुनीत भी होंगे? नहीं सर, पुनीत इस टाइम पर मेरे पास नहीं है। अच्छा, चलिए, आप ही जस्ट डूइंग सम थिंग्स फॉर द डे। अच्छा, आप दोनों को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, मैरी क्रिसमस। कैसा चल रहा है आपका? मैरी क्रिसमस टू यू टू। क्रिसमस और न्यू ईयर की हैप्पी न्यू ईयर टू। हां जी, कैसे चल रहे हैं आपके? लग रहा है आप लोगों ने छुट्टी नहीं ली है अभी भी। नहीं, हम लोगों ने नहीं ली, हम लोगों ने 2-3 दिन के लिए रेस्टोरेंट जस्ट बंद किया था। अच्छा, फॉर अ क्विक हॉलीडे फॉर द स्टाफ एज वेल। Right. और उसके बाद में हम लोग अभी बैक टू नॉर्मल है काम। आपको पता न्यू ईयर्स है, वी हैव दिस बिग इवेंट कमिंग ऑन, तो जस्ट इन प्रेपरेशन ऑफ डूइंग दैट। बिल्कुल, उस इवेंट के बारे में बात करेंगे। वेलकम 2020, आपने इवेंट रखा है जो कि हम श्रोताओं को एक हफ्ते से बताते आ रहे हैं, फेसबुक पे भी शेयर किया है वो फ्लायर की बढ़िया पार्टी होने वाली है वेलकम 2020। उससे पहले आप अपने दी गैंजीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि ये रेस्टोरेंट किस टाइप का रेस्टोरेंट है, कहाँ है और कब और क्यों खोला आपने? मनीष जी, हम लोग 2017 में कैनबरा वापस आए थे क्वींसलैंड से। जी हाँ, एंड आफ्टर कमिंग बैक क्वींसलैंड, मतलब क्वींसलैंड में रहते थे पहले? हाँ जी, वी यूज्ड टू लिव इन लॉन्गरिज फॉर 3, वी यूज्ड टू बी इन कैनबरा पहले, बट थोड़े PR purposes के लिए we moved Queensland, लॉन्ग रीच में, जो कि एक छोटा आउटबैक टाउन है। अच्छा, वहाँ हमने अपना फर्स्ट बिजनेस खोला था, और बट कुछ सालों के बाद बिकॉज वो टाउन इतना छोटा था, हम लोग थोड़ा बोर हो गए एंड वी वर मिसिंग फैमिली को, फ्रेंड्स को। अच्छा, हमने डिसाइड किया विल कम बैक टू कैनबरा। हाँ जी, तो यहाँ आने के बाद क्योंकि बिजनेस कर चुके थे तो इट गेट्स डिफिकल्ट किसी के लिए काम करना, तो हमने सोचा क्यों ना खुद का यहाँ किया जाए और कुछ अलग किया जाए। और हमने देखा कि बहुत बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, एक भी नहीं, लाइक बहुत सारे, एज कम्पेयर टू कम्युनिटी छोटी है हमारी बट रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो हम लोग सेम वही ओल्ड स्टाइल करीज और वो सब नहीं करना चाहते थे, तो हमने सोचा कुछ फ्यूजन किया जाए, इंडियन मार्केट को थोड़ा अपलिफ्ट किया जाए स्टैंडर्ड वाइज एज वेल।
आपने देखा होगा लाइक बहुत टाइम पे आप किसी गोरे के साथ में बात करो इंडियन रेस्टोरेंट के बारे में, तो वो एक फील नहीं आती. आप वो यही सोचते हैं बस हमारे खाने में करीज होती है, चिकन टिक्का होता है, बटर चिकन होता है, नान होता है. तो हम चाहते थे कि उनको पता चले कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट. हम लोगों का भी खाने का स्टैंडर्ड है, हम लोगों का भी बाहर जाने का डाइनिंग का स्टैंडर्ड है. अच्छी वाइन्स रखी हम लोगों ने, अच्छे स्पिरिट्स रखे, लाइक वेरी मॉडर्न एंड वेरी हाई क्लास वाइन्स जो लोगों को बहुत पसंद आई. हम लोगों ने फ्यूजन किया, बहुत सारी नई तरह का तड़का लगाया है. जो रेशमा जी क्रिएटिविटी की बात कर रही है कि पुनीत इज वेरी एक्सपर्ट इन दैट क्रिएटिव. हाँ जी, तो इज रियली गुड इन प्लेट अप एंड वेरी क्रिएटिव इन क्रिएटिंग न्यू डिशेस. तो उसने अपनी सिग्नेचर डिशेस बनाई. हमारा बटर चिकन इट गोज इन अ डिफरेंट वे. अच्छा, तो ये सब प्लान था. और अभी 2017 से वी कंप्लीटेड 2 years इन दिसंबर, तो क्या तो अच्छा हो गया. हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया. कांग्रेचुलेशंस. तो दी गैंजीज, गैंजीज वर्ड कहाँ से आपने सोचा? व्हाई गैंजीज, व्हाई बनारस की? बनारस की गैंजीज है, हरिद्वार की गैंजीज है, कहाँ की गैंजीज है? सर, बनारस की गैंजीज है. हम पहले इसका नाम हम किसी रिवर के ऊपर इसका नाम रखना चाहते थे. जस्ट नॉर्मल कोई आई डोंट वॉन्ट टू ऑफेंड किसी को, करना नहीं चाहती मैं यहाँ पे ये बोल के, बट हम वही पुराना लाइक फ्लेवर्स या इंडियन स्पाइस ऐसा करके नहीं रखना चाहते थे. एक रिवर का नाम रखना चाहते थे. अच्छा. तो सबसे पहले गंगा आया दिमाग में. अच्छा. बट गंगा अगेन हमारे इंडियंस को पता है, गंगा को हम गंगा बोलते हैं. गंगा मेरी माँ का नाम. एग्जैक्टली. भारत. या बट गोरा पीपल कॉल इट गैंजीज. गैंजीज. या तो वी थॉट विल Keep it name it as the Ganges. Oh, and yeah. Ganges mein bhi aapne twist word rakh diya, G-A-N-J-E-E-Z kar diya, not stand. Sir, wo fir Indian Gora fusion aana hi tha. Fir se fusion aa gaya. Naam mein bhi fusion hai. Neetu, bolna paap dhone ke liye humare paas hi aajana, khana kha ke jana. Abhi tabhi hum logo ne wahan pe bahut sara pictures lagwaya ki wahan pe khana khate khate haath jod lo. और बोलो भूल चुक सब. और आप लोगों ने एक घंटा भी लगाया हुआ है बड़ा सा, कि घंटा भी बजा के मंदिर. हाँ जी, वहाँ पे बेल्स लगाई है हमने बार के ऊपर. और दे रियली गुड फॉर गुड वाइब्स एंड एनर्जी. तो एवरी नाइट हम स्टाफ को बोल देते हैं 2-3 बार उसको बजा दो, जस्ट टू बी ऑन अ पॉजिटिव साइड. वेरी नाइस. नीतू मेरा बेटा बजाता है, जब भी आता है तभी बजा के जाता हूं. ही इज लवली रेशमा. ही सच अ गुड किड. थैंक यू. आप लोगों के रेस्टोरेंट की और आप लोगों के खाने की तारीफ हमने बहुत लोगों से सुनी है. जो भी पार्टियां हुई है, जो भी खा के आया, वो कह रहे हैं कि उनके मुंह में चटकारे अभी भी रहते हैं. चलिए अब और श्रोताओं को और याद दिला दें, हमारे कैनबरा वासियों को या सिडनी, मेलबर्न, जहां भी आसपास आप सुन रहे हैं, आप आ सकते हैं और इस पार्टी में एंजॉय कर सकते हैं जो कि होने जा रही है 31 दिसंबर को. वेलकम 2020 के बारे में बात करते हैं. नीतू जी, आप बताइए इस ये पार्टी की प्लानिंग कैसे चल रही है और क्या क्या मिलेगा उस समय, क्या क्या होगा? मनीष जी, हमने ये इवेंट एक न्यू ईयर्स ईव नाइट के लिए प्लान किया है और इसमें लाइव डीजे होगा. As you know, हमारा इंडियंस का कोई भी फंक्शन आई थिंक पूरा नहीं होता है बिना धूम धमाके के. सही. लाइव डीजे रहेगा. हमने इसको एक इंडियन स्टाइल वेडिंग होता है जैसा, वैसा इवेंट बनाया है. आप शादियों में इंडिया में जाते हो तो आप देखते हो लाइव फूड काउंटर्स होते हैं, जगह जगह पे खाना लगा रहता है. तो यू गो टू काउंटर एंड देन यू ईट लाइव वहां से लेके. जी हाँ. वैसा ही यहाँ पे रहेगा. अच्छा. हम लोग फूड काउंटर्स लगाएंगे. 8 से 9 तरह के डिफरेंट एंट्रीज हैं. अच्छा. जिसे हम फिंगर फूड कह सकते हैं. ओहो. जिसमें 4-5 तरह का स्ट्रीट फूड है. लाइव गोलगप्पा मिलेगा, टिक्की लगी रहेगी सामने आपके, और नॉन वेजिटेरियन एंट्रीज भी है. तो बहुत वैरायटी है. मुंह में पानी आ रहा है नीतू जी, ज्यादा मत. मैं मेनू संडे की सुबह, मैं सुबह नाश्ता करके भी नहीं आया. तो इसीलिए किया है कि सब लाइक इस ईयर को हम लोग अच्छे से खाते पीते नाचते हुए बाय बाय बोले और नए ईयर का स्वागत करें. वहाँ डीजे का भी इंतजाम है, नाच गाने का भी है. तो हाँ जी. और थीम इज, बिकॉज द थीम इज इंडियन स्टाइल वेडिंग इवेंट, हम सबको एनकरेज कर रहे हैं कि अच्छे से तैयार होके आना है. क्या बात. लाइक दे नीड टू ड्रेस अप
दूल्हा या दुल्हन बन के भी आ सकते हैं अगर आप, और हो सकता है वहाँ कोई मिल जाए, अगर आप बैचलर हैं तो कोई हो सकता है आपका वहाँ टाका बिठ जाए और वहाँ वरमाला तैयार रहेगी, पंडित जी को भी बुला लीजिए, शायद किसी का वहाँ पे शादी कोई सोचा जा सकता है, क्योंकि एक दो ड्रिंक के बाद कौन क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता. ड्रिंक्स विल बी ऑन रहेंगे ऑन द बार. हाँ जी सर, ओपन बार रहेगा, बाय कर सकते हैं, पीपल कैन बाय देयर ओन ड्रिंक्स एंड ड्रिंक्स. एंड तो इसकी कॉस्ट क्या रखी आपने रखी है इसका, जो खाने पीने का जो बोला मनीष जी, 29.90 है बस. 29.90 जस्ट 29.90 है, बहुत सस्ता है, इट्स लेस देन $30. वी रियली डिडंट वांट इट टू मेक प्रॉफिट. इस चीज में हम कॉस्ट टू कॉस्ट रखना चाहते थे जस्ट फॉर फन पीपल. यहाँ पे ऐसे इवेंट्स हो नहीं पाते हैं न्यू ईयर के दौरान, बिल्कुल. तो मोस्ट ऑफ द लोग तो आपको पता इंडिया चले जाते हैं, दे डू गो अपनी कंट्री जाके, बट जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है अनलेस वो सिडनी चले जाए. तो जो लोग इस बार कैनबरा में ही है इसीलिए हमने ये ऑर्गेनाइज किया कि अच्छा फन हो जाएगा. बहुत बढ़िया, और बहुत सारी बुकिंग्स हो गई हैं ऑलरेडी. वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 80 पीपल, बट अभी तक 60 हो गए हैं. देयर इज लॉट ऑफ इंक्वायरीज कमिंग अप. ओहो, तो हमारे 3 भी बुक कर लीजिए बिफोर यू गेट सोल्ड आउट. मैंने दिखा है, मैंने फेसबुक में डाला है एक्चुअली. आई थिंक यू हैड कैप्टन ऐप आपका देखा है, यू आर गोइंग उसमें है वो. ठीक है, चलिए 3 हमारा रखिएगा साइड में, नहीं तो हमको बार अब अपनी चेयर लेकर आनी पड़ेगी. अरे मनीष जी, आपके लिए चेयर लग जाएगी. चलिए ओके, थैंक यू, गुड लक एब्सोल्युटली, नए बेस्ट विशेस. आप लोग ऐसी लग रही है और लोगों को जिंदगी में तड़का लगाते रहिए खाने का. थैंक यू सर, वी विल बी डूइंग. चलिए, ऑल द बेस्ट एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट, लगे रहिए. थैंक यू, हैव अ लवली न्यू ईयर, बट विल सी यू ऑन द न्यू ईयर ईव एनीवे. यस श्योरली, बिल्कुल, जरूर लगे रहिए, सुनते रहिए. बाय बाय, लव यू, बाय, टेक केयर. जी हां सलमान खान भाई आ गए, वो कह रहे हैं कि पार्टी की बात हो रही है तो एक मेरा प्यारा सा गीत. यहां बेबी को बेस पसंद है, बेबी को न्यू ईयर पसंद है, बेबी को 2020 पसंद है, बेबी को दी गैंजीज रेस्टोरेंट जो कि कैनबरा में वो भी पसंद है. लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. जी हाँ, पूरा तड़का लगा के खाने के तड़के के साथ अब लगाते हैं म्यूजिकल तड़का. हैप्पी न्यू ईयर. Check out.
जाएगी प्रॉब्लम पूरी फायरस है सब लड़कों की डिजायरस है यो चलता फिरता फैशन सो बेबी बिजली की नंगी वायरस है मैं पागल हो गया तेरे पीछे दिल मेरा तेरी लगे नीचे टक टक बजती जो डांस फ्लोर पे जब तू नाचे आके नीचे आके नीचे आके नीचे स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है बेबी को बेस पसंद है Oh baby, baby ko bass pasand hai Jab woh nache mujhko uska face pasand hai Baby ko bass pasand hai हाँ बेबी को बेस पसंद है आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद फुल ऑन तड़का लगा के आज मैं मनीष जी हमेशा कम्युनिटी के लिए करते हैं एंड हर इंसान को जब भी कुछ कुछ लॉन्च करना हो या फिर कुछ इवेंट है वो हमेशा प्रमोट करते रहते हैं और वही बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है और शायद से इस साल के लिए एक मेमोरी छोड़ रखा है अंताक्षरी ने फंताक्षरी जो हम अंताक्षरी के रूप में खेले जो बहुत ब्यूटीफुल था वो चार या पाँच घंटे कैसे गए कुछ पता नहीं चला पर फुल ऑन एन्जॉय किया और मनीष जी एक ऐसे व्यक्ति है कैनबरा में जो दूसरे रेडियो स्टेशंस को भी प्रमोट करते हैं बीच में मैंने एसीटी देसी को देखा था ये रेडियो मनपसंद पे आई डोंट थिंक कि कोई दूसरे बंदे को हाथ दे के ऊपर करता है वो बहुत कम लोग रहते हैं उसमें पर मनीष जी एक ऐसे इंसान है जिनको मैं हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ और आज मनीष जी अकेले हैं उनके घर पे भी और जो मज़ा ले रहे फुल ऑन क्योंकि बीबी और बच्चे सब घूमने गए हैं और ये अकेले बैचलर्स पार्टी कर रहे हैं तो आज मैं इनका रैपिड फायर लूँगी यहाँ पे रैपिड फायर तो 90s का सबका फेवरेट रहेगा और याद करते हैं उस रैपिड फायर को पर उसके पहले मैं उनको एक क्वेश्चन पूछूंगी जो हम डिस्कस कर रहे थे मेरे फ्रेंड्स के साथ कि मनीष जी आपने रेडियो मनपसंद के बारे में क्यों और कैसे सोचा ओहो हो श्रोताओं दोस्तों आपने सुन लिया ना मेरी आज अभी इस समय बोलती बंद हो गई है ये मेरा ये रेडियो स्टेशन है हाईजैक कर दिया है इस लड़की ने जो सलमान खान ने भेजा है इनको आज मैं आपका इंटरव्यू लूंगी माय गॉड मैं सोचा नहीं था मैं सोच रहा था कि मेरी बीवी तो मायके चली गई है मैं कृष्णा जी सुन रहे हो ना एंजॉय करूंगा मेरी और मेरी बेटियां भी नहीं है तो कुछ लेकिन एक और आ गई है जो मेरी लवीना निशा थैंक यू रेशमा मैं क्या बोलूं मैं खुद मेरी वाकई मैंने बोलती बंद कर दी आपने क्या प्रश्न पूछा आपको रेडियो मनपसंद के बारे में ये रेडियो स्टेशन लॉन्च करने के बारे में कैसे कैसे ख्याल और क्यों आया माय गॉड इतना आपने 15 साल पुराने ले बात है 2004 की बात है अगर कहें तो 1 जनवरी 2004 में रेडियो पे मैं सबसे पहले लाइव ऑन माइक बोला था और आप बिलीव नहीं करेंगे मैं वन ऑफ द शाइएस्ट पर्सन इन माय स्कूल लाइफ इन माय कॉलेज लाइफ आईआईटी बीएचयू से मैं हूँ जैसे मैं बताया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है लेकिन आज तक कभी मैंने स्टेज परफॉर्मेंस नहीं किया पीछे बैकग्राउंड में बहुत काम किया लेकिन कभी भी नहीं बहुत डर लगता था लेकिन यहाँ आके पता नहीं क्या जोश और जुनून आया इसका श्रेय पूरा जाता है एक मिस्टर अग्रवाल जी को जो कि मौसम मंदिर के जो कर्ता धरता हैं और दूसरा हमारे जो मेरे जो पार्टनर इन क्राइम है मणि भाई जी हाँ नॉट कृष्णा जी मणि भाई ने मुझे धक्का दिया उन्होंने कहा कि तुम्हारी वॉइस इज़ मेड फॉर रेडियो तुमको आना चाहिए लेकिन उस समय इतना डर लगता था अभी भी लगता है नर्वस मैं होता हूँ इट्स लाइक एन एग्जाम एवरी डे संडे को आना मंडे को सुबह अब शुरू कर दिया मंडे टू फ्राइडे मैंने आज थोड़ा ज़्यादा कर दिया आपने तो तड़का ले लेकिन इट्स एन एग्जाम इट्स हर बार डर लगता है लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई क्योंकि मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाता था और उस समय शुरुआत की कि नहीं हिंदी का कुछ होना चाहिए हिंदी के लिए कुछ बढ़ावा होना चाहिए उस ज़माने में इंटरनेट नहीं हुआ करता था कोई गूगल नहीं था कोई हम लोग लाइब्रेरी भी नहीं हुआ करती जैसे हिंदी में जाके पढ़ें तो इंडिया से जो भी
हम लोग बुक्स लाते थे, मैगजीन्स लाते थे, हाई कमीशन जाके मैगजीन्स हम लेते थे. तो बच्चों को जो पढ़ा रहा था, जो हमारे मेरी बेटी हैं लवीना निशा को, तो धीरे धीरे तो ऐसे करते करते वो माहौल बना और मेरे जो यार दोस्त थे उनके बच्चे आने लगे मेरे साथ पढ़ने के लिए. फिर संतोष जी आए फ्रॉम मेलबर्न टू कैनबरा मूव हुए. संतोष जी ने कहा तो हम लोगों ने मिलकर हिंदी स्कूल की स्थापना की. फिर उसके बाद लगा कि हिंदी स्कूल किया तो हिंदी रेडियो भी होना चाहिए. वहाँ से शुरुआत हुई और इसमें मेरे को सपोर्ट दिया मणि भाई ने. तो मणि भाई पहले रेडियो करते थे, बीच में बंद हो गया. फिर उन्होंने कहा कि लेट्स स्टार्ट रेडियो, यू हैव टू टेक द लीड बिकॉज आपकी हिंदी अच्छी है, बिकॉज यू आर फ्रॉम हिंदी यूपी के. मणि भाई को बोले मुंबई, मेरे को उस टाइप के ढिंचक और इस टाइप के मुंबई हिंदी नहीं बात करनी आती. लेकिन वहाँ से फिर शुरुआत हुई. तो ऐसे करते करते, लेकिन हाँ उस समय के रेडियो और आज का रेडियो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है. कैसेट प्लेयर्स हुआ करते थे और मैं जो बोलता था एक एक वर्ड लिख के लाता था क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं मैं गलत ना बात कर लूँ. लेकिन ये बस कहते हैं श्रोताओं और यार दोस्तों का और आप जैसे वेल विशर्स का और इतने क्या कहते हैं यू डिजर्व इट, सपोर्ट मिला है, प्यार मिला है, इतना भर भर के मिला है, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ. तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद. शशत नमन है आप सभी को. नहीं आपको धन्यवाद, नहीं, क्योंकि नहीं, आप कम्युनिटी के लिए काफी छुप छुप के करते हो पर करते हो. नहीं ये डिजर्व दोस विशेस एंड गुड लक. दैट्स राइट, दैट्स राइट. मैं मेरा अपना एक कह लीजिए स्टाइल है, मुझे पता नहीं मेरा खुद का अपना फेसबुक नहीं, मैं रेडियो मनपसंद का फेसबुक है. मैं खुद फेसबुक पे जाना पसंद नहीं करता हूँ, बताना चाहता हूँ. लोग देखा है मैंने फ़ोटो चेंज करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, नए कपड़े पहने, नए खाना खाया, नया जगह घूमने गए, नई फैमिली फ़ोटो खींची, हर बार प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो रही है. मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर आप कुछ करते हैं, जैसे आप अपना प्रोफाइल पिक्चर मत चेंज कीजिए, आप अपना प्रोफाइल चेंज कीजिए, पिक्चर अपने आप बदल जाएगी. सही बात है. तो बस इसलिए मैंने कभी फेसबुक नहीं रखा मेरा, मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ. और ऑस्ट्रेलिया इज़ बीन लकी कंट्री इन दैट. मैं तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा प्यार देता हूँ. इंडिया तो है ही पैदा, जैसे माँ ने पैदा किया, लेकिन इस माँ ने हमको पाल पोस के बड़ा किया. 25 साल निकाल दिए और इस माँ को हम उतना ही प्यार करना चाहिए. मैं तो ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि इस ऑस्ट्रेलिया की वजह से आज मैं रेडियो स्टेशन चला रहा हूँ. इंडिया में होता तो शायद कभी सोच ही नहीं सकते थे. उसी अंधी दौड़ में लगे होते हैं क्योंकि माँ बाप ने जो जो कहना है कि वो लगाया हुआ था कि डॉक्टर इंजीनियर बनो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, और वहाँ पे शायद इंजीनियर ही बने रह जाते. ये आपका सपना था जो पूरा हुआ. सपना हुआ, एग्जैक्टली. ऑस्ट्रेलिया आना सपना था और घर बनाना सपना था और सबसे बड़ा सपना था ऑडी चलाना. ऑडी के वजह से मैं ऑस्ट्रेलिया आया था. इस बारे में कभी एक लंबी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा कि ऑडी जरूर वो उसके लिए, वो मैं उसके अलग लिए से आऊंगी. एक प्रोग्राम करेंगे क्योंकि मेरे साथ तेजस भाई भी जुड़ गए. तेजस आजकल जो वीडियोग्राफी करते हैं उन्होंने मेरे को साइंड अप किया हुआ है कि एक यूट्यूब बनाते हैं आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री जो कि रेडियो मनपसंद की है जर्नी जो हमें शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कैसे शुरुआत हुई और धीरे धीरे जैसे किशोर जी जुड़ते गए जो कि आरजेज हैं और फिर बाद में लिसनर्स जो थे वो आरजेज बन गए. आप बिलीव नहीं, लिसनर्स थे. किशोर जी के बाद जगदीश जी आए जो कि उनको मैं बॉलीवुड गुरु मानता हूँ और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉलीवुड हैं और वो तो ही इज़ एन एसेट टू इवन आई फॉलो हिम. हाँ उनके फिर उनका बेटा निखिल ज्वाइन किया और निखिल की हिंदी इम्प्रूव हुई रेडियो मनपसंद थे. उसके बाद निखिल की शादी हुई तो अपूर्वा भी आ गई. ऐसे उन दोनों का आवाज मैं आज बोलती हूँ, निखिल और अपूर्वा, उन दोनों का आवाज बहुत सुंदर है. एंड उन लोग जिस तरह से रेडियो चलाते, लाइक मैं बैठ के सुनती हूँ उन दोनों को और इरा को. सही बात है, वो ऑन एयर केमिस्ट्री अच्छी है, ऑफ एयर उनकी बायोलॉजी अच्छी है. उसका प्रूफ है छोटी सी उनकी प्यारी बेटी. बेटी। तो ऐसे करके जैसे और लिसनर्स जी हाँ, कल्पना, नसरीन, इरा, दीपा जी सब हमारे मित्र के साथ साथ लिसनर्स थे. वो क्रिटिक्स भी थे जब वो बोलते तो, और आके फिर उन्होंने आरजेज की यहाँ कमान संभाली और अब हैं. संतोष जी तो हमारे थे ही, संतोष जी तो शुरू से ही थे, इज ऑलवेज इन द सपोर्टर और साथ देते हमेशा. तो ऐसे करके मणि भाई तो हमेशा रहे ही हैं. तो इस तरह का हमारा ग्रुप बना और धीरे धीरे ये बोलते कहते हैं दोस्त मिलते गए, वेल विशर्स मिलते गए, आप जैसे सपोर्टर्स मिलते गए और कारवा बढ़ता गया और ये आज रेडियो मनपसंद यहाँ आ गया जो कि 13 साल पूरे कर लिए.
Oh, congratulations. Thank you. Thank you. Good, good. Thank you. आपने वाकई कहाँ से न्योबर्श बना रहे हो और आप मेरे को नहीं मैं सब हमेशा आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अंदर से ये टाइम मैं पूछूंगी अच्छा चलिए आपका और, समय शुरू होता है अब मेरे को और, एक करोड़ मिलेंगे नहीं वो तो नहीं मिलेगा और फिर आपका लोगो एक्चुअली वो आपको रिजेंबल करता है यस गुड पॉइंट आपने अच्छा पकड़ा तो आपने खुद डिजाइन किया है जी हाँ मैं और मणि ने बैठ के डिजाइन किया था मणि बाद बोले कि आई थिंक दैट इज सूट्स ये आपका ये लोगो तब से मैं जो लोगो डिजाइन हुआ उसके बाद से मैंने दाढ़ी कटाई नहीं है मैं ऐसी दाढ़ी देखिए आप ऐसी है ना हाँ। मैं कटा बोलता है नहीं कटा लूंगा तो फिर वो लोगो का वो चाम चला जाएगा आपका भी एक ना वो मुझे दिखता है व्हाट्सएप पे भी आप अभी सब जगह दिखते हो मुझे आइकन्स उसके सही अभी रैपिड फायर खेलते फटाफट ओके चलिए रेडी ओके ओके आपका निकनेम या पेट नेम क्या रखा था आपके पेरेंट्स ने ओ माय गॉड ये ऑन एयर नहीं बता सकता नहीं पता नहीं पड़ेगा ये रैपिड फायर है कम ऑन यू हैव टू बी स्पोर्टिव तो आई हैव टू स्किप दैट क्वेश्चन नो 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 दैट्स फाइन ये देखिए माँ बाप का जो नाम होता है माँ बाप ही पुकार अच्छा ठीक है कृष्णा जी ने क्या रखा है ओए ये भी अलग कृष्णा जी अगर सुन रहे होंगे ना कृष्णा जी प्लीज सुनना रिकॉर्डेड है मैं बाद में भेज दूंगी देखिए जो माँ बाप नाम रखते हैं वो खाली माँ बाप बोल सकते हैं जो बीवी नाम रखती है वो बीवी ऐसा नहीं थोड़ा सपोर्टिव बनो मनीष जी कम ऑन चलिए आज पहली बार बेकाल से 50 साल के अपने हिस्ट्री में या 15 साल के ऑन रेडियो शो करते हुए और पहली बार बताता हूँ मेरे माँ बाप ने मेरा नाम क्या रखा था लड़की का नाम रखा था आप बिलीव नहीं करेंगे सीरियसली क्या हो सकता है नाम था बबली वेरी क्लोज पिंकी कैन यू बिलीव और पिंकी नाम कैसे पड़ा मेरी मौसी ने रखा था पता नहीं उनको बेटी बड़ी पसंद थी वो सोच रही थी कि मैं पहला बच्चा था जो अपने ननिहाल में पैदा हुआ था मेरी मौसी कुंवारी थी उन्होंने कहा कि नहीं उन्होंने सोचा था कि लड़की पैदा हो गया लड़का तो उन्होंने नाम पिंकी सोच के रखा था तो मेरा नाम पिंकी है तो माँ बाप मुझे पिंकी बीवी क्या बोलती है ये अभी सीक्रेट है बीवी जब मैं कृष्णा जी को पूछ लूंगी कृष्णा जी को जब ऑन एयर बुलाएंगे तभी पूछूंगी मैं आपका मनपसंद खाना मनपसंद खाना मैं सब कुछ खाता हूँ कोई नखरे नहीं है एवरीथिंग लेकिन कड़ी चावल इज द बेस्ट कड़ी चावल वो भी अपने नानी के हाथ का कड़ी अच्छा और मनपसंद घूमने की जगह ऑस्ट्रेलिया से बढ़िया कोई नहीं मैं अभी भी कहूँगा कैनबरा इज माई फेवरेट प्लेस इन द वर्ल्ड लेकिन एक जगह जो मैं गया अभी हाल ही में एक तो जो पूरे यूरोप देखा एशिया देखा लेकिन वियतनाम आप जरूर जाइएगा हनोई एंड हम लोग प्लान कर रहे हैं वियतनाम हैज बीन गुड एंड बाली वाज माय फेवरेट एकदम उसमें इंडियन टच भी बाली में जाके आप दूसरी बार शादी करके हैं ना बिल्कुल तो इसलिए और फेवरेट हो गया मेरा पुनर्जन्म हुआ क्योंकि 25 साल मैडम के साथ गुजारे और अगले 25 साल फिर एक और एक कहना रिन्यूइंग माय वाउज रिन्यूइंग माय मैरिज सर्टिफिकेट तो बाली वाज बाली एंड वियतनाम इज लाइक ए क्लीन इंडिया इंडिया की आपको अच्छा लगेगा इंडिया का कल्चर नजर आएगा इंडिया की हवा दिखेगी लेकिन थोड़े से ढंग से डिसिप्लिन वे में ओके एक गलती जो आपके लिए सबक था ओ माय गॉड ये तो मुझे सोचना पड़ेगा सोचो गलती या मिस्टेक जो गलती से मिस्टेक हो गई हाँ गलती से मिस्टेक हो गया पर वो लेसन था ओहो क्या हो सकता है मुझे क्या पता मुझे भी नहीं पता आई थिंक कोई मिस्टेक हुआ ही नहीं मैं नहीं किया आई थिंक माँ बाप को छोड़ना वाज एक बहुत बड़ा मिस्टेक था क्योंकि वो उनके वो कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया मत जाओ मैं वापस यहाँ आया क्योंकि मैं उनका बहुत ही प्यारा बेटा था उनको उन्होंने सोचा था कि ये बेटा पाल पोस कर हमको मतलब अभी जो वृद्धावस्था है उनको संभालेंगे लेकिन वो आई थिंक लेकिन इट वाज ए मिस्टेक वो आज एक क्या कहते हैं उसको कि मिस्टेक हैज बिकम ए ब्लेसिंग अब वो खुश है कि good. एक यादगार किस्सा अरे बाप रे यादगार किस्सा ओहो बहुत सारे किस्से हैं एब्सोल्युटली एक जो आप कभी नहीं भूलना यादगार किस्सा बहुत सारे मैडम से मेरी बीबी की जो शादी थी वो बहुत जबरदस्त किस्सा था क्योंकि मैं कृष्णा से कभी शादी
करना नहीं चाहता था. उसका रीज़न ये था कि मैं ऑस्ट्रेलिया आना चाहता था एज ए बैचलर, और मुझे दिमाग में था कि एक कृष्णा जी सुनो, कृष्णा जी को पता है, कृष्णा जी को मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था देखकर, कहा था मुझे शादी नहीं करनी. माँ बाप से भी काफ़ी लड़ाई हुई इस बात में, कई बार मैं शायद रेडियो पर बता चुका हूँ, या अपने जितने भी मेरे क्लोज रिलेटिव्स हैं या क्लोज फ्रेंड्स है इवन ऑस्ट्रेलिया में, उनको मैं चलो आज सब लोग को पता चल, सबको पता लग गया कि कृष्णा जी को देखा, बातें हुई, कृष्णा जी से 5 मिनट बातें हुई, माँ बाप को बोला कि नहीं मैं लड़की शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया आना था अकेले बैचलर घूमना था और एक ब्लॉन्ड से शादी करनी थी. गया आपका सपना टूट गया, अभी कुछ नहीं हो सकता है. तो ब्लॉन्ड से शादी करने के लिए मैं फिर से बाली गया, वहाँ ब्लॉन्ड मिली मेरे को पूरे एकदम व्हाइट ड्रेस में, एकदम ऑस्ट्रेलियन मिल लेना, फिर और क्या चाहिए. तो ये किस्सा बहुत ही बढ़िया और शादी भी हो गई ना, शादी भी हो गई बस. तो और ये थोड़ा बायस्ड है, इक्वालिटी के क्वेश्चन पूछिएगा. नहीं हाँ, मैं पूछूंगी ये क्वेश्चन. फैमिली में सबसे मनपसंद कौन है, कृष्णा जी, निशा या लवीना? ओहो, आपने घर पे झगड़ा हुआ तो चलेगा, दैट्स फाइन. लास्ट टाइम मैंने ये बोला था, इस पे काफी सारे क्वेश्चन हो गए थे कि मेरे जीवन में 4 देवियां हैं. एक सामने मेरी बीवी खड़ी रहती है, दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट में मेरी दोनों बेटियां, और पीछे जो बचा कुचा वो मेरी माँ खड़ी होती है, तो चारों ही इक्वली. तो ये 4 देवियों के अलावा ज़िंदगी में कोई नहीं है. लेकिन पहले मैंने 4 बोला था, तो ईरा थी मेरे साथ, मेरी बेटी थी लवीना थी, वो कह रही चौथी कौन है, चौथी कौन है, चौथी मेरी. नहीं, मैं समझ गई थी, माँ. लेकिन हाँ, ऑल आर इक्वली, मैंने प्यार बांटा हुआ है इन चारों के बीच में. ब्यूटिफुल. और लास्ट क्वेश्चन, आपका एक सपना जो आप पूरा फुलफिल करना चाहते हो. सपना जो फुलफिल करना चाहते हो, ओ, सारे सपने पूरे हो गए. मैं आप बिलीव नहीं करेंगे कि सारे सपने जिंदगी में जितने भी सोचे थे वो तो हुए, जितने नहीं सोचे थे वो भी हो गए. कभी रेडियो स्टेशन कभी सोचा ही नहीं था, कमेंट्री की, लाइव हिंदी कमेंट्री इन दैट इज़ फैंटास्टिक अचीवमेंट. कभी सोचा नहीं था कि हम लोग मैं सुनता था कमेंट्री, हिंदी कमेंट्री, वो भी इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का मैच सिडनी SCG के ग्राउंड में बैठ के. wow, beautiful. कितना बढ़िया था. और मेरे ख्याल से सपने आप कुछ नहीं रह गए सपने में, बस यही है कि क्या है, कोई सपना ही नहीं है. एब्सोल्युटली नो रेजोल्यूशन, नो सपना. अब सारे ड्रीम्स हैव कम ट्रू जितने भी थे, और क्या चाहिए. पास हो गए एग्जाम. ओए होए होए होए, कितने मिले मार्क्स? फुल ऑन 100 out of 100. 100 out of 100. ओ माय गॉड, चलिए पप्पू पास हो गया. सो रिलीफ, मेरे पसीने छूट गए, गर्मी का AC चल रहा है. नहीं, यू हैव बीन अ गुड इंटरव्यूअर, मजा आ गया आपसे बात करके. आई थिंक यू शुड, आप भी एक हमारी लिसनर हुआ करती थी, सपोर्टर थी, यू शुड कम एंड जॉइन एज एन RJ. जरूर. आप क्या कहती हैं? जरूर. और सबके लिए, मेरे ख्याल से जितने भी यार दोस्त हैं, जितने भी वेल विशर हैं, जितने भी लिसनर्स हैं, नॉट ओनली इन कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, जो वर्ल्ड वाइड हो गए, उन सब के लिए बस यही कहना चाहूँगा, जो सलमान खान का सलमान खान के 2 गाने बड़े पसंद है, और दोनों पिक्चर उनकी चली नहीं, एक था तेरे नाम, उसका एक गाना पसंद है, और दूसरी थी ट्यूबलाइट. हाँ. लेकिन ट्यूबलाइट का जो गाना है वो रेडियो. हाँ. बजना चाहिए रेडियो, जो भी रेडियो का सॉन्ग था वो फेवरेट सॉन्ग है. और दूसरा ये है जो मैं हमेशा लोगों को सुनाता हूँ, अपने श्रोताओं को सुनाता हूँ, अपने चाहने वालों को सुनाता हूँ, जिन्होंने मेरे हर तरह से मदद की, और अभी भी पीछे इतने लोग मदद करते हैं, सबका नाम लेना एक एक करके बहुत ही मुश्किल है. आप जो करते हैं आपको रिटर्न देना पड़ता है ना? रिटर्न मुझे इतना मिलता है, बस प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. उन सब के लिए यही है कि तेरे नाम हमने किया है जीवन, एक ये है, और तुमसे मिलना, बातें करना सबसे अच्छा लगता है. तो ये लगे रहिए, सुनते रहिए जी हाँ, रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के. मेरी आवाज, हो मैं बाकी इमोशनल कर देती हूं. नहीं, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है. ये प्यारा सा गीत मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने कहीं रखा है जी. ये आया प्यारा सा गीत आप सभी के लिए. दोस्तों, रेशमा जी थैंक यू सो मच. रेशमा, थैंक यू देव फॉर रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं. थैंक यू. मेरा वाकई आपने पूरे पन्ने खोल दिए जिंदगी के, मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किए थे, आज पहली बार. चलिए, ये सारा प्यारे से गीत आप सभी के लिए, फेसबुक वालों के लिए, और आप रेशमा जी थैंक यू सो मच. लगे रहिए, सुनते रहिए. And a very, very happy new year.
से मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर हाँ, मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। छोटी बात तेरी हर एक मुलाकात तड़पाए मुझको, लम्हा लम्हा तेरा साथ, लम्हा लम्हा तेरा साथ। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर हाँ, मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। जी हाँ, तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है, और हम आपके लिए बातें बहुत सारी बातें कि रेशमा जी आए, देव आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। आप लोग बिजी लोग हो, संडे का दिन है इसलिए आप लोग छुट्टी मना रहे हो, नहीं तो आपका अगर मंडे ट्यूसडे आपके लिए हम लोग कल से आप लोग जॉब पे लग जाओगे। और आशा कर रहे हैं आप लोग नव वर्ष में भी काम कर रहे हो, बस यही करेंगे कि आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। ये सब आप लोगों को मैं अपनी तरफ से विश करना चाहूंगा। मेरे आपने बोलती मन करी, मेरे मुझे कुछ डीप ब्रीथ करना पड़ेगा, वो बाहर जा नहीं सकता क्योंकि धुआं है। लेकिन अच्छा लगा, इट इज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई किसी ने मेरे को स्टंप किया, जैसे एकदम ही रैपिड फायर। मुझे लगा कि करण जोर के मैं कॉफ नहीं, हम आपको जानना चाहते हैं मनीष जी, मैं नहीं, काफी लोग जानना चाहते हैं, तो इसलिए कि ये है इंसान कौन कौन जो 24 घंटे सातों दिन बोलता रहता है और खाली सही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग अपनी कहानियां सुनाए। मैं तो, और आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना अच्छा लगता है। मैंने उन लोगों की बात नहीं की जो ऑफ एयर मेरे से बात करते हैं, और उनको, और कई सारे लिसनर्स ऐसे हैं जो चोरी छुपे सुनते हैं, और चोरी छुपे इसलिए सुनते हैं कि वो उनका ये कहना है, उनके टेक्स्ट मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं कि आपकी बातें सुन के, रेडियो मनपसंद सुन के
उनको अपनापन लगता है, उनकी जो लोनलीनेस है आजकल जो काफ़ी बढ़ गई है, बिकॉज वेस्टर्न वर्ल्ड में तो है ही, इंडिया में भी बढ़ गई है आजकल, सब अपने में हो गए जो ज़माना था। और ये इसका कारण है सोशल मीडिया, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में लोग दूर दराज के लोगों से बात करते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और फेस टाइम में, लेकिन अपने पास में जो अपने घर में है या अपने आसपास है, अपने मोहल्ले में, अपने जो भी हैं उनसे बातें करने में उनको थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। इसलिए मेंटल हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट करता है। मैं सब श्रोताओं से ये बोलना चाहती हूँ, भले तुम फेसबुक पे लाइक करो नहीं लाइक करो, कमेंट करो नहीं करो, पर कोई एक इंसान से हफ्ते में एक बार जाके मिलो या बात करो, इट मेक्स अ बिग एंड ह्यूज डिफरेंस। आपको पता नहीं रहेगा उनके लाइफ में क्या हो रहा है। बिल्कुल सही करें, बिल्कुल सही, मेंटल हेल्थ इश्यूज वेरी मच, और इसमें रेडियो मनपसंद काफ़ी सपोर्ट करता है, क्या मतलब इनके जो मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं, और स्पेशली हमारे जो भारतीयों में हैं और कई सारे माँ बाप हैं, कई सारे बुजुर्ग हैं जो इस रेडियो मनपसंद सुनते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, और उनको लगता है कि, तो ये आपने जो पूछा ना, एक बड़ा अचीवमेंट है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई मेरी बातें सुन के, रेडियो सुन के उनकी लोनलीनेस हटती है, और दो घंटे या एक घंटे जो भी सुनते हैं उनको थोड़ी सी खुशी मिलती है, थोड़ा सा उनको लगता है कि कोई हमारा अपना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया आए और उनको कोई जो अपना अपने लोगों ने उनको बुलाया, लेकिन वही अपने लोग जो है उनको साथ छोड़ देते हैं, कई केसेस हैं मेरे। और तो ऑफ एयर हम लोग बहुत बातें करते हैं उनसे, जाके मैं पर्सनली मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। और एक किस्सा भी हाल ही में पिछले हफ्ते हुआ, एक और लिसनर थे, उन्होंने अपने दिल की बात मेरे साथ शेयर की जो कि किसी के साथ उन्होंने शेयर नहीं की, वो सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, इतना प्यार मिला कि आई वॉज रियली ऑनर्ड कि उन्होंने मुझे चुना। दुनिया में कितने करोड़ों बिलियंस लोग हैं, उन्होंने मुझे चुना अपनी कहानी बताने के लिए। आई वॉज सो ग्लैड, थैंक यू। आज वो भी सुन रहे होंगे दिल से, आप शायद से आपके रेडियो मनपसंद में ही एक अलग से एक पेज ये करके दिल से, या टेल अस योर स्टोरी करके कुछ ऐसा करके शायद से लोगों का वो लोनलीनेस शुरू करना पड़े। सही बात, आप शुरू करो जो, और आएंगे सब लोग साथ देंगे। जो कैसे विद्या बदन में एक मूवी में किया था, जो रात को शो करती थी, मैं रात वाला शो नहीं करने वाला, हाँ। लेकिन मैं दिन वाला करना चाहता हूँ, वो एक सुल्लू, हाँ। तुम्हारी सुल्लू करके, हाँ, और वो जो आदमियों के साथ बात करती थी, वो खैर वो दैट वाज अ नॉटी साइड था उनका, लेकिन इस टाइप का एक शो मैं, मुन्ना भाई था ना, मुन्ना भाई है, बिल्कुल जादू की छप्पी देता था ऑन एयर, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल लोगों ने मुझे भी कहा कि आप मुन्ना भाई की तरह जो बातें करते हैं एक एक खुशी लाते हैं किसी के जीवन में। और मैं हमेशा रेडियो में हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि आपके दिल में दिमाग में कुछ भी, अगर कुछ भी हल्का सा कुछ ही कूद रही है और आपको तंग कर रही है, प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर देखिए, शेयर करने से आपकी परेशानियाँ दूर होती हैं, आपके दुख दर्द दूर होते हैं, क्योंकि आप बहुत लोग होते हैं जो इनको कोई मिलता नहीं है किसी से बातें करने के लिए। काउंसलर्स क्यों पैसा कमाते हैं, काउंसलर्स जो बोलते हैं ना कि क्यों पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो खाली बस सुनते हैं। आजकल सुनना लोगों के जीवन से खत्म होता जा रहा है, वो भी एक कला है, वो भी कला है। और मैं, हमारा जनरेशन ऐसा है कि हमने माँ बाप की सुनी है और आज बच्चों की सुनते हैं, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। तो अगर सुनने वाला कोई मिल जाए किसी के साथ, आप खाली 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट कुछ भी सुन लीजिए, कुछ भी बातें कर लीजिए। अब मैं वही देखता हूँ कि मैं तो मोबाइल फ़ोन्स पे कम रहता हूँ, व्हाट्सएप पे कम रहता हूँ, लोग मेरे को गाली देते हैं कि यार तू जवाब नहीं देता। मैं इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मैं लोगों से रूबरू बात करता हूँ फोन। ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है ये वाला, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा टॉपिक। और हो सकता है रेडियो मनपसंद अब 24 घंटे सातों दिन हो गया, तो एक सेक्शन मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, लेकिन बहुत लोग हैं जो शर्माते हैं, थोड़े से उनको हिचक होती है, थोड़ी सी घबराहट होती है कि ऑन एयर नहीं बात कर सकते। मैं समझ सकता हूँ, हर कोई अपनी स्टोरी ऑन एयर नहीं बताना चाहता है, लेकिन क्योंकि हर किसी, कैनबरा इज अ स्मॉल प्लेस, हर लोग एक दूसरे को शक्ल से पहचानते हैं, आवाज़ से पहचानते हैं। आपकी आवाज़ जैसे यूनिक है, आप जैसे आप आएंगे तो सब लोग पहचान जाएंगे रेशमा जी बोल रही हैं, या मेरी आवाज़ यूनिक है, तो वो पकड़ में आ जाती है, इसलिए वो ऑन एयर नहीं आना चाहते। वो कहते हैं कि कहीं कॉफ़ी में मिलते हैं, कहीं बाहर मिलते हैं, कहीं या फ़ोन पर बात करते हैं, एनोनोमस बात करते हैं। बिल्कुल हैप्पी टू डिस्कस एनी टाइम। मैं किसी के जीवन में खुशियाँ लगाऊँ, इससे बड़ा मुझे न्यू ईयर गिफ्ट, या मेरा रेजोल्यूशन हमेशा से यही रहा 2-3 साल से कि मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया और मैं वही पसंद करना चाहता हूँ दूसरों लोगों के लिए, कि जो मुझे मिला है, और आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। मुझे जितना सोचा था ऑस्ट्रेलियन की, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा भगवान ने टचवुड दिया है, और मैं चाहता हूँ कि आई पास इट ऑन टू अदर्स ऑल्सो। और अगर किसी को मैं उठा सकूँ, किसी को कुछ सहायता कर सकूँ किसी भी तरह से,
हम फिजिकली हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियली तो पता नहीं, लेकिन हाँ लेकिन उनके जीवन में कुछ खुशियां लाए। चलिए लग रहा है ये नववर्ष कुछ इमोशनल नववर्ष हो रहा है मेरे लिए। थैंक्स टू रेशमा जी, लेकिन अच्छा लगा आपने मेरी दिल की बात निकाल दी, मुझे भी अच्छा लगा ना। आप सुन रही थी। कोई मेरे सुनने वाला भी मिला चिया मैं तो। चलिए अच्छा लगा और ऑन ईयर बात करके बहुत मजा आया तेरी, और ये प्यारा गीत यहाँ रेडियो बजते रहना चाहिए। जी हाँ, ये प्यारा गीत सलमान खान की मूवी का ट्यूबलाइट का, ट्यूबलाइट तो उनकी जली नहीं लेकिन आपने मेरी ट्यूबलाइट जला दी। लगे रहिए, सुनते रहिए। जी 12:17 हो गए, लेकिन अगला प्रोग्राम वाले तमिल वाले आए नहीं है, तो चलिए हम प्रोग्राम करते रहे, आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, नहीं, तो नहीं, ये बस एक प्यारा सा ये गीत सुनते हैं। टाइम निकाल के आया। वेरी गुड, आज आपकी छुट्टी है। छुट्टी है। चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी पूरा तड़का लगा के वो आपके हाथ में, आपके साथ में। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चलने लगे हम हवा में, पूरी हुई दिल की तमन्ना, बड़ा ही असर था दुआ में। बंधन के बाल बना के, जूता पॉलिश करवा के, नाचेंगे हम ताता भैया। सजन रेडियो दोस्तों, सजन रेडियो बजाइयो जरा, रेडियो बजते रहना चाहिए, और आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, चलिए बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे गाने सुने, मनपसंद गाने सुने, रेशमा जी आई, सलमान खान की बातें हुई, शाहरुख शेख की बातें। फारूक शेख कह रहे आपने मुझे भूल गए, एक गाना आपने लगाया, सीने में जलन आंखों में क्यों है, उसके बाद आप भूल गए मुझको। नहीं दोस्तों, फारूक शेख को हमने याद किया हुआ है, और उनका एक स्पेशल प्रोग्राम हमने लाइंड अप किया हुआ है, और शायद ये ऑलरेडी प्रोग्राम शुरू हो चुका है ऑन एयर। जी हाँ, 24/7 के रेडियो शो पे, जी हाँ, फारूक शेख का एक स्पेशल प्रोग्राम हमने लाइंड अप किया हुआ है, उसको आप सुन सकते हैं, और फिर से रिपीट पे मैं लगा दूंगा जिन्होंने नहीं सुना है। चलिए बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे गाने हुए, और मैं वाकई मेरी बोलती बंद कर दी रेशमा जी ने, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि रेडियो में मैं जो बोलने के लिए लेकर आया था सारे डॉट पॉइंट सब मेरे, अपने मेन मेन तो बोले ना, मेन मेन बोले। चलिए चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, आप लोगों से बस आप लोगों से विदा लेता हूं मैं, आपको मंडे की सुबह 10-11 मिलूंगा मनपसंद मॉर्निंग में, मंडे टू फ्राइडे मनपसंद मॉर्निंग में, और मंगलवार की शाम, जी हाँ 31 को एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए तड़के के साथ 7-8 ऑन FM 91.1 पे सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष जी, और आपको बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच नए साल के लिए। रेडियो मनपसंद हमेशा आगे आगे बढ़ते रहे, और कम्युनिटी का फुल सपोर्ट आपको मिलता रहे। क्या बात। और सब श्रोताओं को मेरी क्रिसमस और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। वाह क्या बात है। और चलिए आरजे अपूर्वा भी आ गई हैं, ओके, कुछ एक नया आपको विशेस दे रही हैं, साथ में हमारे अमोद भाई भी ज्वाइन कर गए, उनकी भी विशेस सुन लेते हैं, और उसके बाद मनाते हैं आज की पार्टी सलमान खान की तरफ से। हाँ वो कह रहे हैं आज की पार्टी मेरी तरफ से होगी, बर्थडे पार्टी। चलिए दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए, और हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुद भी हंसेंगे खुश रहेंगे तो दूसरे आपके आसपास भी
खुश रहेंगे, आसपास वाले भी, किसी के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी भी वजह से ले आइए, उससे बढ़िया आपके न्यू ईयर गिफ्ट हो नहीं सकता। यही रेजोल्यूशन आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोग और नेगेटिव बातें अपने जीवन से निकाल दीजिए, देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, हैव अ लवली संडे एंड हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय। नमस्ते श्रोताओं, मैं हूँ आरजे अपूर्वा, ओनली ऑन रेडियो मनपसंद। आप सबको मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। आपका नया साल बहुत 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 बढ़िया हो, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशहाली, और सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। हैप्पी न्यू ईयर टू यू, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर टू यू, Happy New Year to you, to you, to you. Happy, happy New Year to you, to you, to you. कल के तराने हुए पुराने, गा रे मेरे संग कोई गीत नया। Happy, happy New Year to you, to you, to you. Happy, happy New Year to you. नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका आरजे आमोद, और आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए, 24 घंटे सातों दिन आपके हाथ में, आपके साथ में। तो बस लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मेरे दिल हूँ एक अरमान भरा, आके मुझे पहचान जरा। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। Not just the-